नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के हर एक ऑप्शन के बारे में, चाहे वो आपका टेबल ऑप्शन हो, एडेंस हो, चार्ट हो, टूर्स हो, स्पार्क लाइंस हो, फिल्टर्स हो, लिंक्स हो, इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। पाइवट टेबल एमएस एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जिसका यूज हर एक कंपनी अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए तो करती ही है, साथ के साथ उसे एनालाइज करने के लिए भी इसका यूज करती है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि पाइवट टेबल का यूज ना करती हो। पाइवट टेबल अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जो कि हमारे डिफिकल्ट वर्क को बहुत ही इजी कर देता है। अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर पाइवट टेबल जानना आपको बहुत जरूरी है। बिना पाइवट टेबल के आप एमएस एक्सेल के अंदर डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। तो इसकी कंप्लीट वीडियो मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखेंगे हमने कुछ एम्प्लॉयज के यहाँ पर नेम लिए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं, उनकी सेल्स हमने यहाँ पर ली हुई है, सेल 2020 की और 2021 की। अब इसको हम किस तरीके से पाइवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर। अब यहाँ से देखेंगे आपका जो इंसर्ट टैब है, इस इंसर्ट टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका पाइवट टेबल का। इस पाइवट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारा ये जो डेटा है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये रेंज सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट डेटा टेबल रेंज का है, यानी इसके अंदर हमारी डेटा की टेबल की रेंज लेनी होती है। अगर आपका कोई और डेटा है तो आप उसकी रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये उसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका न्यू वर्कशीट और दूसरा ऑप्शन है आपका एग्जिटिंग वर्कशीट, यानी आप जो पाइवट टेबल चाह रहे हैं वो एक नई शीट पर चाह रहे हैं या एग्जिटिंग इसी वर्कशीट के ऊपर आप पाइवट टेबल चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको इसी शीट पर ये डेटा चाहिए तो आपको एग्जिटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा लोकेशन पे। लोकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको उस जगह की रेंज लेनी होगी जहाँ पर आप इस टेबल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हम इसे एक नई वर्कशीट पर लेंगे। हम फिलहाल न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे और सिंपली इसे ओके कर देंगे। जैसे आप इसे ओके करेंगे आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का थीम रिप्रेजेंट होगा पाइवट टेबल का, जिसमें आप देखेंगे आपकी यहाँ पर फील्ड्स शो हो रही हैं। अब इसको किस तरीके से यूज किया जाता है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए हम चले जाते हैं वापस से अपनी उसी शीट पर। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे फर्नीचर के अंदर टोटल कितनी सेल हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्नीचर यहाँ पर भी है और फर्नीचर यहाँ पर भी है। तो ये तो डेटा हमारे पास बहुत ही छोटा सा डेटा हमने लिया है आपको समझाने के लिए। कंपनीज का जो डेटा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही लार्ज होता है और उसमें से किसी डेटा को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो वो काम हमारा ये पाइवट टेबल बहुत आसानी से कर देता है। अभी आप इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फर्नीचर के अंदर टोटल कितनी कितनी सेल्स हुई हैं वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे। अगर मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ, एनालाइज करता हूँ इसको, तो यहाँ पर वो डेटा रिप्रेजेंट तो कर देगा, लेकिन हमारी यहाँ पर कंडीशंस इतनी सारी होती हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को फिल्टर नहीं कर पाते। इस वजह से हम फिल्टर का यहाँ पर हर बार यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने पर्सन काम करते हैं, उन्होंने कितनी कितनी सेल्स की है, मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड देखना है। तो अगर आप उस रिकॉर्ड को यहाँ पर फाइंड करेंगे तो उसे किस तरीके से बताएंगे आपको ये भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए पार्टिकुलर पर्सन किस किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसने कितनी सेल की है, आप मुझे वो बताइए, तो उसे भी निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी होगी। तो ये पाइवट टेबल हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम ये सारे काम बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो हम चले जाते हैं वापस अपने पाइवट टेबल वाले ऑप्शन पर। अब मान लीजिए हमें ये देखना है इस टेबल में से कि गारमेंट्स में टोटल कितनी कितनी सेल्स हुई है, मुझे आप वो बताइए। तो उसके लिए हम चले जाते हैं वापस से पाइवट टेबल के अंदर और यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग सेल्स 2020 को और 2021 को। अब आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक में जो हमारी टोटल सेल हुई है 2020 की, वो सेल हुई है 62,279 रुपीज़ की। उसी तरीके से फर्नीचर की यहाँ पर आप देखेंगे 2020 की सेल दिखा रहा है, उसी तरीके से आप देखेंगे 2021 की भी यहाँ पर सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े डेटा को आप इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए अगर हमने 2020 का नहीं देखना, हमें 2021 का देखना है,
तो यहाँ से हम 2020 का टिक मार्क्स यहाँ से हटा देंगे, तो आप देखेंगे आपकी 2021 का जो डेटा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और समझ में आए। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक में टोटल सेल, फर्नीचर में टोटल सेल और गारमेंट्स में टोटल सेल, और साथ के साथ आप यहाँ पर देखेंगे इसका ग्रैंड टोटल भी ये आपको बता रहा है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही आपके सामने डिपार्टमेंट शो हो और उसी का आपको टोटल सेल 2020 और 2021 की शो हो, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने फिल्टर का एक बटन है। इस फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हटा दीजिए और यहाँ पर आपको जिस भी डिपार्टमेंट का देखना है उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर सिंपली इसे ओके कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का ही डेटा आपके सामने शो अप हो रहा है, साथ के साथ उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अगर आप 2020 का देखना चाहते हैं तो आप टिक मारिए, 2020 का भी आपका डेटा और ग्रैंड टोटल आपके सामने रिप्रेजेंट इसने कर दिया है। तो चलिए इसको कुछ और तरीके से हम लोग देखते हैं और तरीके से ट्राई करते हैं कि ये और किस तरीके से यूज किया जा सकता है। मान लीजिए अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन एम्प्लॉई काम करता है, तो ये किस तरीके से आप निकालेंगे, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट में अभी हमारे सामने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फिल्टर लगा रखा है। इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं फिल्टर को, तो आप देखेंगे हमारे सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर शो अप हो चुके हैं। उसके बाद हम जैसे नेम ऑफ पर्सन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर कौन कौन काम करता है उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई है, जिसके अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जगदीप है, कमल है, मदन है, सावन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के पर्सन हैं। इसके बाद बात करें अगर हम फर्नीचर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्नीचर में हमारा आदित्य है, परवीन है, प्रदीप है, सुनील है, तो ये सभी एम्प्लॉयज जो हैं हमारे वो फर्नीचर के एम्प्लॉयज हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें गारमेंट्स की, तो गारमेंट्स में आप देखेंगे अमन, दीपक और मोहन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किस पर्सन ने कितनी कितनी सेल की है आप उसे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं सेल 2020 पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जगदीप की टोटल सेल यहाँ पर दिखा दी उसने 17,490 रुपीज, ऐसे ही कमल की इसने टोटल सेल दिखा दी आपको 15,469 रुपीज, उसी तरीके से मदन की इसने सेल दिखा दी 16,323 रुपीज, उसी तरीके से सावन की इसने सेल दिखा दी 12,997 रुपीज। तो इस तरीके से आप हर एक एम्प्लॉय का अपना डेटा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2020 के अलावा 2021 का देखना चाहते हैं कि भाई किस एम्प्लॉय ने 2021 के अंदर कितनी कितनी सेल की है, तो उस पर भी आप जैसे चेक मार्क्स करेंगे, टिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपका ये डेटा भी यहाँ पर एनालाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर। और इसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई आपका कौन सा एम्प्लॉई किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो इसके लिए हम सभी चेक मार्क्स को यहाँ से हटा देते हैं। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आप कई तरीकों से इसे देख सकते हैं पिवट टेबल, कई तरीकों से आप इसे अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसे समराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि कौन सा एम्प्लॉई कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, अगर आपको ये देखना है तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली नेम ऑफ पर्सन पर क्लिक करना है। यानी नेम ऑफ पर्सन हमारा जो भी है, नेम ऑफ एम्प्लॉई जो भी है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो भी एम्प्लॉयज थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि भाई वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आपको सिंपली डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पर्सन है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, यहाँ पर आपकी उसकी लिस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप सेल देखना चाहते हैं 2020 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य की टोटल सेल आपकी यहाँ रिप्रेजेंट हो गई है। उसी तरीके से 2020 की अगर आप देखना चाहते हैं, उसी तरीके से अगर आप 2021 की सेल देखना चाहते हैं, तो 2021 की भी आप सेल देख सकते हैं कि आदित्य ने फर्नीचर के अंदर टोटल जो सेल की है वो 19,280 रुपए की है, अमन ने टोटल जो गारमेंट्स के अंदर सेल की है वो 15,307 रुपए सेल की है। इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर समराइज हो जाता है, इसी तरीके से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है MS Excel का। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका प्रिंटआउट लेना चाहते हैं तो सिंपली आप उस टेबल की बजाय इस टेबल का प्रिंटआउट लीजिए, ताकि सामने वाले बंदे को ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये डेटा में आखिर फंडा क्या है, किस तरीके से एनालाइज किया गया है, कर रहा है। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिए हैं। और भी जिस तरीके से आप इसे एनालाइज करना चाहते हैं, और भी जिस तरीके से आप इसे फिल्टर करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फिल्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के एम्प्लॉयज को, तो यहाँ पर जैसे आप चेक मार्क्स करेंगे तो एम्प्लॉयज जो भी होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक के वो आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसका प्रिंटआउट आप इजिली सामने वाले बंदे को दे सकते हैं, जिससे वो इस डेटा को देखते ही समझ जाएगा कि इस डेटा में क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही इजी फॉर्मेट है हमारा पिवट टेबल का। तो इसी तरीके से हमारी पिवट टेबल यूज की जाती है कई मेथड से, कई तरह से। इसके बाद मैं आपको कुछ ऑप्शंस और इसके बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही काम आने वाले फंक्शंस हैं।
उसके लिए आपको जाना है पाइवट टेबल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आपके सामने शो अप होगा पाइवट टेबल पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एनालाइज का एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर शो अप हो जाएगा। अब इस एनालाइज के अंदर आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है आपका रिफ्रेश का। अब ये रिफ्रेश आपका किस काम आता है तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली अपने डेटा पर जाना है और यहाँ पर मान लीजिए मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल सेल। टोटल सेल लिखने के बाद मैंने इन दोनों सेल्स को यहाँ पर प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद इसको नीचे की तरफ ले जाकर के कंट्रोल डी ड्रैग कर दिया और इसे बॉर्डर में वापस से मैंने बंद कर दिया ऑल्ट एच बी ए से। ये इसकी हॉट की है। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वही फील्ड्स हैं जो हमारे पास पहले थी। अब ये डेटा किस तरीके से रिफ्रेश होगा, ये डेटा रिफ्रेश करने के लिए आपको इसी शीट पर वापस से आना है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक कॉलम ऐड किया हुआ है। अभी जो हमें डेटा वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिर्फ इतना डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये डेटा हमारा और एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस डेटा को मैं किस तरीके से इस वाली पाइवट टेबल में ऐड करूंगा तो उसके लिए मैं आपको पहले इन सभी के चेक मार्क्स यहाँ से हटा देता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो फील्ड्स हैं हमारे पास, वो सिंपली चार फील्ड्स हैं। और पांचवी फील्ड मुझे अगर ऐड करनी है तो इसके लिए मुझे जाना होगा सेम एनालाइज वाले ऑप्शन पर। यहाँ देखेंगे आपके सामने एनालाइज का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। ये तभी काम करेगा जब पाइवट टेबल पर आप यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने शो अप नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको पाइवट टेबल पर क्लिक करना है। पाइवट टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एनालाइज का ऑप्शन शो अप हो जाएगा। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपका चेंज डेटा सोर्स का। तो हम इस वाले ऑप्शन का यूज यहाँ पर करने वाले हैं। हम चेंज डेटा सोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपका आएगा चेंज डेटा सोर्स का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने वही टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाती है और इस टेबल के अंदर आप अपने डेटा को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि जितनी रेंज हमने ले रखी थी उस रेंज को हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी रेंज ले लेंगे। पूरी रेंज लेने के बाद यहाँ पर सिंपली हमें ओके प्रेस करना होगा। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका टोटल अमाउंट था, जो टोटल सेल थी, अभी हमारे सामने शो अप हो चुकी है। आप देखेंगे टोटल सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। अगर ये रिप्रेजेंट ना हो तो आप यहाँ से रिफ्रेश में जाकर के उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। आपकी जो फील्ड है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने टोटल फील्ड्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर टेबल वन के अंदर किसी डेटा के अंदर कुछ चेंजेस कर दी है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास आदित्य है और आदित्य को हमने क्या किया है, आदित्य को हमने यहाँ पर गारमेंट्स का डिपार्टमेंट बनाया। हमने इस डेटा के अंदर थोड़ी चेंजेस कर दी है। अब ये चेंजेस अगर मैं अपनी इस शीट के अंदर जाकर के चेक करूंगा तो इस शीट के अंदर जैसे ही मैं इस डेटा को लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे आदित्य हमारा फर्नीचर ही शो कर रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे हमने इसको चेंज कर दिया है गारमेंट्स के अंदर। अब ये डेटा किस तरीके से रिफ्रेश होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वही सेम ऑप्शन जो मैंने आपको बताया रिफ्रेश वाला, इस वाले पाइवट टेबल पर आपको क्लिक करके रखना होगा और यहाँ पर जाना होगा आपको एनालाइज वाले ऑप्शन पर। एनालाइज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा रिफ्रेश वाला ऑप्शन। रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने रिफ्रेश ऑल का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे आप इसे रिफ्रेश करेंगे और वापस से अपना डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेटा था यहाँ पर अपडेट हो चुका है। यहाँ पर फर्नीचर की जगह गारमेंट्स रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा के अंदर चेंजेस करने के बाद रिफ्रेश कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग करने के बाद उसके अंदर रिफ्रेश कर सकते हैं और आप अपने डेटा को यहाँ पर पाइवट टेबल के अंदर से बार बार अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन और बता देता हूँ जो आपके बहुत ही काम का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम फिलहाल ले लेते हैं डिपार्टमेंट्स और उनकी टोटल सेल्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम ऑफ पर्सन, किस पर्सन ने कितनी कितनी सेल की है, हमने वो तीनों चीजें यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आपके सामने शो अप होगा इंसर्ट स्लाइसर का। ये बहुत ही काम का फंक्शन है। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइसर ओपन हो जाएगा। अब इस स्लाइसर के अंदर आपको करना क्या है, आपको सिंपली हमने ले लिया यहाँ डिपार्टमेंट का स्लाइसर और इसको सिंपली कर दिया हमने ओके। अब आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स यहाँ पर शो अप हो गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट यहाँ पर शो अप हो चुके हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी डिपार्टमेंट्स थी वो आपके सामने यहाँ पर शो अप हो जाएंगी। अब मैं इसे एक तरीके से और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया टोटल सेल। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो आप देखेंगे सम ऑफ सेल्स जो हमें दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर फर्नीचर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फर्नीचर के एम्प्लॉयज और उनकी टोटल सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ के साथ उसका ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर हम गारमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे गारमेंट्स में कितने बंदे काम कर रहे हैं और उनकी कितनी कितनी सेल्स है और टोटल ग्रैंड टोटल सेल कितनी है। तो इस तरीके से आप स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, इस बटन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइसर
क्लियर करना है तो यहाँ पर जैसे आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आपके जितने भी एम्प्लॉयज थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, उनकी टोटल सेल यहाँ पर शो अप हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, आप इस स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। अब इस स्लाइसर को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देना होगा, डिलीट दबाते ही आपका ये स्लाइसर यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये पाइवट टेबल यहाँ से हटानी है तो यहाँ से मान लीजिए हमने इसके चेक मार्क्स को यहाँ से हटा दिया। काफी लोगों को पाइवट टेबल लगानी तो आती है मगर उसे हटाना नहीं आता, तो ये किस तरीके से हटाया जाता है, आप इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट भी आपसे नहीं होता। तो डिलीट करने के लिए आपको इसको करना क्या है, सिंपली डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जहां भी आपकी पाइवट टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास क्लियर ऑल का, तो यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो भी पाइवट टेबल थी वो यहाँ से क्लियर हो चुकी है। आज हम बात करेंगे रिकमेंडेड टेबल के बारे में, आखिर रिकमेंडेड टेबल होती क्या है और ये पाइवट टेबल से डिफरेंट क्यों होती है। पाइवट टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल में काम करते समय कई बार डेटा इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में पाइवट टेबल का उपयोग करके पूरे डेटा को कम से कम जगह में संक्षिप्त रूप से देखा जा सकता है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो पाइवट टेबल पूरे डेटा का एक संक्षिप्त रिपोर्ट होता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे रिकमेंडेड टेबल क्या होती है। तो रिकमेंडेड टेबल बेसिकली पाइवट टेबल ही होती है, लेकिन हमें एमएस एक्सेल रिकमेंड करता है कि आप कितने तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं, आप यहां पर देखेंगे हमने कुछ एम्प्लॉइज के नेम लिए हुए हैं, यहाँ पर हमने कुछ डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पर हमने सेल 2020 और 2021 का डेटा लिया हुआ है। डेटा को मैंने बहुत ही छोटा लिया है ताकि मैं आपको इसे समझा पाऊँ। और सबसे पहले हमें करना क्या है, डेटा को हमें एक बार सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम रिकमेंडेड टेबल पर क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे आपको कई तरह से रिकमेंड किया जा रहा है। आप इस तरीके से डेटा को रिकमेंड कर सकते हैं या इस तरीके से देख सकते हैं या इस तरीके से देख सकते हैं, यानी आप जितने तरीके से देखना चाहें उतने तरीके से इस डेटा को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे डिफरेंस तरीके दिखाई देंगे जिसको आप अलग अलग तरीकों से रिकमेंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया और इसके बाद हमने किया सिंपली इसे ओके, तो आप देखेंगे इसकी पाइवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर और गारमेंट्स, तीनों ही हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारे पास कौन कौन है जो हमारे पास वर्क कर रहा है और उसने कितनी कितनी सेल की हुई है, जैसे मैंने आपको पाइवट टेबल में बताया था। साथ के साथ ये आपका ग्रैंड टोटल भी आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा है। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो पाइवट टेबल थी यानी आपकी जो रिकमेंडेड टेबल थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। जैसे ही आप पाइवट टेबल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे वो डेटा वापस से आ जाएगा, आप इसे अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयज को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे हट चुका है। इसके बाद जैसे ही मैं इस पर टिक करूंगा तो आप देखेंगे वापस से ये डेटा हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सेल 2021 को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो आप देखेंगे सेल 2021 का डेटा यहाँ से हट चुका है। तो इसी तरीके से आप रिकमेंडेड टेबल के अंदर आप डिफरेंट टाइप से रिकमेंड कर सकते हैं डेटा को और अपने हिसाब से इसको एनालाइज कर सकते हैं। यही डिफरेंट है पाइवट टेबल और रिकमेंडेड टेबल के अंदर। और इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर टेबल का, ये टेबल क्या काम करता है। तो हम वापस से अपने पुराने डेटा पे चले जाते हैं और यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा माई टेबल हैज हेडर, यानी मेरी टेबल पर ऑलरेडी हेडर है तो मुझे हेडर की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको टिक मार्क रखूंगा और सिंपली इसे ओके कर दूंगा। अगर आपके टेबल पर कोई भी हेडर नहीं है तो आप इसे टिक मार्क को हटा देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे फिल्टर भी लग चुका है, फिल्टर के हिसाब से मैं डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं आपको इसका यूज दिखाता हूँ, इसका यूज होता क्या है। मान लीजिए हम इसका एक बार टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल करने के बाद मैंने क्या किया, सेल 2020 और 2021 को हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, इक्वल टू इसको और प्लस इसको कर दिया हमने प्लस। आप देखेंगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सबका टोटल अपने आप आ गया, हमें इसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, अगर यहाँ पर हम किसी एम्प्लॉय का नेम ऐड करते हैं, जैसे मैंने ऐड कर दिया दीपक, और एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं तो आप देखेंगे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, यानी वो ऑटोमेटिकली इसका सम निकाल देगा। यानी तो हमें बार बार फॉर्मूले को पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेबल के अंदर अगर हमने डेटा को अपने कन्वर्ट कर रखा है तो वो फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली जहां तक आपका डेटा है वहां तक पेस्ट करता चला जाता है। तो यही थे हमारे ऑप्शंस
रिकमेंडेड टेबल और पाइवट टेबल इलस्ट्रेशन बहुत ही कमाल का फंक्शन है अगर आपने ऑफिस 2007 का यूज़ किया है, और उसके बाद अगर आप ऑफिस 2019 के अंदर इलस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस को एक साथ मर्ज कर दिया है और मर्ज करने के बाद एक बेहतरीन फंक्शन तैयार किया है। यानी कि अगर आप ऑफिस 2007 के बाद सीधे 2019 को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा, यानी कि बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांस फीचर आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। तो आज मैं उन्हीं ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिखाई देंगे जो मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर पिक्चर्स का। पिक्चर्स के अंदर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका दिस डिवाइस है, यानी आप इस डिवाइस के अंदर से ही किसी डेटा को यानी किसी पिक्चर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली ओके करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपकी जहां पर भी आपकी इमेजेस हैं वो इमेजेस यहां पे फाइंड कर लीजिए। तो मान लीजिए हमारी जो इमेजेस पड़ी हुई हैं वो डी ड्राइव के अंदर पड़ी हैं, तो डी ड्राइव पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हमारी वो इमेजेस यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो इसमें से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और या तो फिर यहां पर ओपन पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी यहां पर इमेज इम्पोर्ट हो चुकी है। अब जैसे ही आपने इमेज को इम्पोर्ट किया तो आप देखेंगे यहां आपके सामने कुछ अलग फीचर्स ओपन होके आ चुके हैं, यानी कि एक फॉर्मेट टैब आपके सामने ओपन हो चुका है जो कि पिक्चर टूल का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर आपके सामने दिखाई देगा रिमूव बैकग्राउंड का। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपका है रिमूव बैकग्राउंड। अब ये रिमूव बैकग्राउंड क्या काम करता है, रिमूव बैकग्राउंड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो भी बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये देखिए रिमूव होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है वो आ रहा है मार्क एरियाज का। यानी अगर आप इसमें क्लिक करके किसी एरिया को मार्क करते हैं कि वो भी आपको इरेज करना है तो उस एरिया को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एरिया भी आपका यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका एरिया रिमूव होने के बाद यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आपके सामने ओपन हुआ है करेक्शंस का। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं किस तरीके की इमेज आपका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे इजिली उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका ये जो ऑब्जेक्ट था वो उसी शेप में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कलर्स का। तो कलर्स में आप डिफरेंट टाइप्स के कलर्स यूज कर सकते हैं, जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है आर्टिस्ट का। तो इसमें आप आर्टिस्ट की तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे किसी आर्टिस्ट ने यानी किसी ने ड्रॉ करके इस पेंटिंग को क्रिएट किया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है, एक एक करके आप इसे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंप्रेस पिक्चर का है। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कंप्रेस पे क्लिक किया। कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप इसे किस तरीके से कंप्रेस करना चाहते हैं, प्रिंट एरिया के साइज के हिसाब से, इंटरनेट पर आप इसे सेंड करना चाहते हैं वेब पेज पर उसके साइज के हिसाब से, ईमेल पर आप इसे सेंड करना चाहते हैं उसके हिसाब से, या डिफॉल्ट के हिसाब से। तो हम यहाँ पर फिलहाल ले लेते हैं ईमेल के हिसाब से। मैं मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को ईमेल पर भेजना चाहता हूँ, उसके हिसाब से हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर जैसे आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल थी वो बेसिकली ईमेल के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिसेट पिक्चर का। जैसे आप इसे रिसेट करेंगे तो आपकी जो भी पिक्चर में हमने चेंजेस की होगी वो सारी की सारी वापस से रिसेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है रिसेट पिक्चर एंड साइज, यानी अगर हमने इस पिक्चर को छोटा या बड़ा कर रखा है यानी इसके साइज को हमने इंक्रीज या डिक्रीज कर रखा है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये अपने असली साइज में यानी एक्चुअल साइज में वापस से रिसेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी ऑप्शन हमारे एडजस्टमेंट मेन्यू के ऑप्शन है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका पिक्चर स्टाइल्स का। तो आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिसमें आप इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है वो हो रहा है पिक्चर बॉर्डर का। आप चाहें तो इस पिक्चर के साइड में बॉर्डर यूज कर सकते हैं। देखिए रेड कलर, ब्लैक कलर, जिस कलर में आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे आप 3D इफेक्ट में, ग्लोइंग इफेक्ट में, शोइंग इफेक्ट में, सॉफ्ट एज इफेक्ट में, बिवल इफेक्ट में, तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे 3D में बिवल एंड एम्बोज ऑप्शन इफेक्ट के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पिक्चर शेप्स की, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे किसी भी शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्मार्ट आर्ट यहाँ पर शो अप हो जाएगा। और इसके बारे में अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहें तो ईजिली आप यहाँ पर डिस्क्राइब
कर सकते हैं। क्लिक करके आप इस टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बारे में आप जो भी डिस्क्राइब करना चाहें वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक और टूल बार यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप यहाँ पर जा करके चेंज कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसके फॉन्ट के स्टाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन और आपके सामने शो अप हो जाएगा ऐड शेप्स का। जैसे आप ऐड शेप्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक और बॉक्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो कोई पिक्चर यूज कर सकते हैं। अगर आप बुलेट्स का यूज करना चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट आप इस डेटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बुलेट्स में हम क्लिक करके जो भी लिखना चाहें वो इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरीके से आप बुलेट्स वाइज डेटा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने आएगा वो है प्रमोट का। जैसे आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बॉक्स है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रमोट हो रहा है। अगर आप इसे डिमोट करेंगे तो ये वापस से डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करना चाहें तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट था वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट एडजस्ट किया जा सकता है इस तरीके से। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने और भी बहुत सारी शेप्स ले रखी हैं, जैसे हम और भी एड शेप्स ले लेते हैं यहाँ पर। अगर मुझे किसी शेप को ऊपर की तरफ ले जाना है तो ऊपर की तरफ ले जा सकता हूँ, और डाउन साइड में ले जाना है तो मैं डाउन साइड में इसको मूव करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मूव करने के ऑप्शन हैं, आप इसे मूव कर सकते हैं। और इसके बाद रिसेट ग्राफिक करेंगे तो ये आप वापस से रिसेट हो जाएगा। जो भी हमने कलर फॉर्मेटिंग स्टाइल जो भी चेंज किया होगा ये वापस से रिसेट हो जाएगा। और इसके बाद एक ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, एक और ऑप्शन आपके सामने शो अप हो रहा है कन्वर्ट टू शेप का। जैसे आप कन्वर्ट टू शेप पे से क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट था आपका वो एक शेप बन जाएगी। आपका स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से एक न्यू इमेज ले लेते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद, यहाँ से पिक्चर्स में जाने के बाद, यहाँ से दिस डिवाइस के अंदर जाने के बाद, यहाँ से हम फिर से कोई इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाली इमेज ले ली। इस इमेज को लेने के बाद अब हमें क्या करना है, बाकी के ऑप्शंस का यूज करके आपको दिखाना है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ तक के ऑप्शंस क्लियर कर दिए थे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन शो होगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यानी इस पिक्चर के बारे में जो भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ये हमारी जो इमेज है वो बेसिकली क्या चीज है, तो इमेज हमारी मान लीजिए होम पेज है, तो हमने यहाँ पर होम पेज लिख दिया और इसके बाद इसको हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जब भी हम इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे होम पेज यहाँ पर शो होगा, यानी इस पिक्चर के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पर हमारी शो अप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन है, जिसमें ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन है। और ये ऑप्शन आप देखेंगे अभी आपके सामने हाइड है, यानी कि अभी ये वर्किंग में नहीं है। तो ये वर्किंग में तब होगा जब हमारे पास दो अलग अलग इमेजेस होंगी, जिसके ऊपर हम इसे ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक का यूज करके देखेंगे। तो चलिए फिर से इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से इलस्ट्रेशन में जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, और यहाँ से आप दिस डिवाइस से कोई पिक्चर ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन और है ऑनलाइन पिक्चर्स का। आप यहाँ से भी कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर कर सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ ब्राउजिंग चलेगी, थोड़ा सा समय लेगा, और समय लेने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बिंग का जो ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा और इसमें आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस आपके सामने शो अप हो जाएंगी। अब इसमें से आपको जो भी पिक्चर चाहिए, जैसे फिश की चाहिए या ग्रेजुएशन की चाहिए, हाउस की चाहिए, आइसक्रीम्स की चाहिए, पार्टी की चाहिए, ओकेजन की चाहिए, मतलब जो भी पिक्चर स्कूल्स वगैरह की जो भी पिक्चर्स आपको चाहिए वो पिक्चर्स आप इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से स्कूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने स्कूल को सिलेक्ट किया तो स्कूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स की इमेजेस शो अप हो जाएंगी। तो जिस भी इमेज को आप लेना चाहें यहाँ से इजीली उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ले लेते हैं इस वाली इमेज को। इस वाली इमेज को लेने के बाद यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो इमेजेस थी वो थोड़ा सा समय लेगी और यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ऑनलाइन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की आपके सामने इमेजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। और इसके बाद हम दोनों इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। ऊपर रखने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली इस इमेज पर डबल क्लिक करना है ताकि वो टूल बार आपका वापस से रिप्रेजेंट हो जाए। और अब आप देखेंगे आपके सामने वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो अप हो चुके हैं, यानी ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड का। अब यहाँ पर देखेंगे स्कूल की जो इमेज है वो हमारी ऊपर है और बाकी ये वाली जो इमेज है वो जस्ट इसके नीचे है। तो यहाँ पर जैसे हम इसे करेंगे सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड करते ही होगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली इमेज हमारी इसके पीछे चली गई है, और जैसे हम इसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये वापस से ऊपर इसके रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप को या किसी भी इमेज को एक दूसरे के आगे पीछे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। के बाद यहाँ पर आप देखेंगे और भी ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट यानी आप किसके फ्रंट पे चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा सेंड टू बैक यानी किसके बैक पे आप चाहते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक इमेज और लेनी होगी। तो हम वापस से इंसर्ट में जाते हैं, इलस्ट्रेशंस के अंदर जाते हैं, शेप्स में जाकर के यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बर्ड्स को सिलेक्ट किया,
बर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी इमेज ले लीजिए, जैसे बर्ड्स की हमारे पास जो भी इमेजेस हैं उनमें से हम किसी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे वो भी इमेज हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई, और उसके बाद हमने इस इमेज को भी इन दोनों इमेजेस के साथ रख दिया, यानी इसके ऊपर रख दिया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे सेंड टू बैक, तो एक बार में इन दोनों इमेजेस के पीछे चली गई, और जैसे हम इसे करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, यानी ये टॉप पे एक बार में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। यानी एक बार में अगर आपके पास 10 लेयर्स हैं, यानी 10 इमेजेस हैं, और एक बार में आप चाहते हैं ये सबसे पीछे चली जाए, तो आप यूज करेंगे सेंड टू बैक, और अगर आप टॉप पे चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट। इन दोनों ऑप्शंस का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है सिलेक्शन पेंट्स का। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्शन पेंट्स का। अब इसका क्या यूज होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने जितना भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ, चाहे वो इमेजेस है चाहे वो शेप हो, उसकी यहाँ पर आप देखेंगे आइस बनकर आ जाएगी। जिस भी आइस को आप हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस हमारी यहाँ पर हाइड हो चुकी हैं, और जैसे आप इसे शो कराएंगे तो यहाँ पर वो सारी इमेजेस यहाँ पर शो अप हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं भाई इनमें से किसी एक पिक्चर को आप हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है आइस का। इस आइस को जैसे आप क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के बाद वो सभी इमेजेस यहाँ से गायब हो जाएंगी जिसकी हमने आइज यहाँ पे क्लोज की है। यहाँ पर देखिए वो सभी इमेजेस यहाँ से गायब हो गई है। जैसे इसके आइज को हम ओपन करेंगे तो ये सभी इमेजेस यहाँ से ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वो है यहाँ पर अलाइनमेंट्स का। यहाँ पे आप चाहें तो किसी इमेज को या किसी पिक्चर्स को अलाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वाली इमेज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमने इन दोनों इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपको इस वाली इमेज पर क्लिक कर देना है। दोनों इमेजेस एक साथ सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अलाइनमेंट्स के सभी ऑप्शन यहाँ पर शो अप हो गए हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे अलाइन लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, टॉप है, मिडल है, बॉटम है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल है, स्नैप टू ग्रिड है, स्नैप टू शेप है, और व्यू गाइडलाइन है। तो इन सभी ऑप्शंस का हम लोग यूज करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट है हमारे पास, तो लेफ्ट पे जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये लेफ्ट में आ जाएगा। सेंटर करेंगे तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से जितना भी इसको आप अपने हिसाब से करना चाहें, एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद एक नया ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे स्नैप टू ग्रिड का। अब ये स्नैप टू ग्रिड क्या काम करेगा, अब स्नैप टू ग्रिड तब काम करेगा जब हमारे ये जो सेल्स का साइज है, यानी इसकी जो ग्रिड है, आप देखेंगे जो हमारी लाइन्स है इनको ग्रिड्स कहा जाता है, इन ग्रिड्स का जो साइज होगा वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा। तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे मैंने इसके साइज को थोड़ा इंप्रूव कर दिया है। इंप्रूव करने के बाद मैंने इस पिक्चर को यहाँ से लिया और इस पिक्चर का साइज मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा। अभी अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए बहुत ही स्मूथली हमें बाहर जाने दे रहा है। और इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ इस ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर इसको यूज करूंगा स्नैप टू ग्रिड का, तो इसे जैसे ही मैं मूव कराऊंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये पिक्चर ग्रिड के हिसाब से एडजस्ट हो जा रही है। देखिए ये बाहर नहीं जाने दे रही है, देखिए ऑटोमेटिक चिपक रही है इन ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग। तो यही ऑप्शन हमारा स्नैप टू ग्रिड है। अगर स्नैप टू ग्रिड यहाँ से आप हटा देते हैं तो ये वापस से आप इजिली स्मूथली इसको अंदर या बाहर ले जा सकते हैं। तो यही ऑप्शन है हमारा स्नैप टू ग्रिड का। इस ऑप्शन को जब आप प्रैक्टिकल तरीके से खुद करके देखेंगे तब आप इसका यूज समझ में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन की व्यू गाइडलाइंस की, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी ग्रिड्स थी वो यहाँ से गायब हो जाएंगी, और जैसे आप इस पर वापस से क्लिक करेंगे वो ग्रिड सारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो होता है ग्रुप्स का। अब ये ग्रुप ऑप्शन कब काम करेगा, ग्रुप ऑप्शन तब काम करेगा जब हम किसी दो इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप में जाकर के उसको हम यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से हुआ क्या, आप देखिए दोनों इमेजेस एक साथ ऐड हो चुकी हैं। अगर आप एक इमेज को मूव कराएंगे तो दूसरी इमेज इसके साथ ही मूव होगी। इसके बाद ग्रुप के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है अनग्रुप का। जैसे आप इसे अनग्रुप कर देंगे तो ये वापस से इमेजेस हमारी अनग्रुप हो चुकी हैं, और उसके बाद इसको मैं अपने हिसाब से अलाइनमेंट दे सकता हूँ, जहां भी रखना चाहूँ उसे रख सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं फिर से इसी ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर आपका ऑप्शन हाईलाइट हो गया रीग्रुप का, यानी इसको एडजस्ट करने के बाद, इसके अलाइनमेंट को मैंने एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर रीग्रुप पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर रीग्रुप पर क्लिक करने के बाद ये वापस से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये पिक्चर वापस से हमारी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे ग्रुप, अनग्रुप और रीग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने रोटेशन के ऑप्शन है, तो आप इसे इमेज को 90 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आप इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे जैसे रखना चाहे वैसे आप इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए था। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉप इमेज का आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे अनग्रुप करेंगे और यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रॉप इमेज का यूज करेंगे। जितनी इमेजेस आपको क्रॉप करनी है उतनी इमेज यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी इमेजेस वहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। इसके बाद इसके क्रॉप के साइज को यहाँ से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। उसके हाइट एंड विड्थ को यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं।
और क्रॉपिंग करके अगर आप इसे क्रॉप टू शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो आप जैसे ही क्रॉप टू शेप पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी क्रॉप होकर के एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस आपका होना चाहिए क्रॉपिंग का, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बार क्लिक करेंगे उतना एडजस्टमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका फिल का, तो जैसे ही आप फिल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो फुल फिल यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जितनी इमेज आप इसके अंदर दिखाना चाहते हैं उतनी इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाहर क्लिक करते ही वापस से गायब हो जाएगा। और फिर से इस पर डबल क्लिक करने के बाद हम उसी ऑप्शन पर फिर से चले जाते हैं, फिट करना है अगर आपको, तो जैसे आप इसे फिट करेंगे तो ये आपकी इमेज जो होगी वो इसी साइज में यहाँ पर फिट हो जाएगी, जो भी साइज आपने सेट किया होगा उस साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसके भी साइज को आप सेम एज इट इज इसी तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये टूल आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर टूल्स के जितने भी ऑप्शंस हैं बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं, काम के ऑप्शंस हैं, तो ये सभी ऑप्शंस आपको आने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पिक्चर्स के। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, दिस डिवाइस और ऑनलाइन डिवाइस। दिस डिवाइस से आप अपने सिस्टम से किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन पिक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन आप कोई भी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा शेप्स का। अब ये शेप्स के अंदर जैसे हम जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी शेप्स हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जा रही हैं। इनमें से कोई भी शेप्स यहाँ से आप ले करके इसको ईजिली इम्पोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सभी इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक शेप ले ली है और शेप को लेने के बाद आप देखेंगे इसके भी काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब जैसे हम जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर टूल बार ओपन हो जाते हैं। अगर आपको नई शेप चाहिए तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट शेप्स का, तो यहाँ पर आप एक नई शेप्स और भी इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप देखेंगे आपके सामने बेहतरीन टाइप्स के कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं, उनको कलर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसे रोटेट करना चाहें तो इस तरीके से रोटेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिल का एक ऑप्शन है, फिल के अंदर कोई कलर अगर आपको चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है नो फिल का, अगर कोई कलर फिल नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप कलर्स को हटा सकते हैं। मोर फिल कलर्स के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स आ जाएंगे। इसको लेने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर आप पिक करेंगे वो कलर यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है पिक्चर्स का, इसके अंदर अगर आपको कोई पिक्चर यूज करनी है तो यहाँ से आप पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ गए, फ्रॉम फाइल यानी किसी फाइल से पिक्चर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पिक्चर कोई ऑनलाइन पिक्चर आप सर्च करके इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर फ्रॉम आइकन या कोई आइकन आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ब्राउज करके यहाँ पे अपने सिस्टम में से कोई फाइल ले लेता हूँ, कोई पिक्चर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने पिक्चर को लेकर के यहाँ पर सिंपली इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट, यहाँ से जाकर के आप ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे टेक्सचर्स, तो यहाँ पे टेक्सचर्स का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप देखेंगे पैटर्न्स वगैरह तो पैटर्न्स भी बहुत सारे इसके अंदर हैं जिनका आप यूज करके इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इसके अंदर कलर्स फिल कर सकते हैं शेप्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके आउटलाइन की तो आप देखेंगे आउटलाइन का यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का अगर आप चाहें तो यहाँ से इसके साइज हाइट और विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद आप चाहें तो इसके साइज डिजाइंस को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, वो आप एक एक करके यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद शेप्स की अगर हम बात करें तो शेप्स के अंदर जो मैंने आपको बताया 3D ग्लोइंग बिवल वगैरह के इफेक्ट्स, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 3D में आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ पर फ्रेश पेज ले लेते हैं। यहाँ से हम फिर से इंसर्ट में चले जाते हैं और यहाँ से इलस्ट्रेशन के अंदर जाकर के हम किसी शेप को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद जैसे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा एडिट टेक्स्ट का। इस एडिट टेक्स्ट पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो इजिली यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए करके, और इसे किसी भी स्टाइल में चेंज करना है तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपके पास स्टाइल्स हैं, उस स्टाइल में आप इसे इजिली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें यहाँ से मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए आपका जो फॉन्ट था यहाँ से चेंज हो चुका है। इसके बाद आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहें तो आप इसके अंदर इजिली कलर फिल कर सकते हैं। पिक्चर्स, पैटर्न, ग्रेडियंट, टेक्सचर जो मैंने आपको बताया उन सबका आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर फिल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें आउटलाइंस की तो यहाँ पर आउटलाइन का कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट हैं, उसका भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी शेडो वगैरह का आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए शेडो वगैरह हमारी यहाँ पर यूज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी के सभी ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आइकन्स का। आइकन्स के लिए हमें करना क्या है, आइकन्स पर जाना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नेट से ऑटोमेटिकली आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स आपको रिप्रेजेंट कर देगा।
यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्ट होने के बाद आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यहाँ से इंपोर्ट हो चुके हैं। जिस भी शेप को आपको इंपोर्ट करना है उस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपकी वो जो शेप थी वहाँ से डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे हमारी जो शेप थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है चेंज ग्राफिक्स का। अगर आप इस इमेज की जगह कोई और इमेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सेम ऑप्शन वही आपके सामने शो अप हो गए। फ्रॉम फाइल ऑनलाइन या आइकन्स जो भी इंपोर्ट करना चाहें वो यहाँ से इजिली इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद हमारा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें से जो भी इमेज मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको इंसर्ट करूंगा तो उसकी जगह पर ये फाइल हमारी रिप्लेस हो जाएगी। तो हमें फिलहाल वही फाइल रखनी है, हम रिप्लेस अभी नहीं करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम वापस से डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टू शेप का, यानी आप चाहें तो इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे शेप में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सभी जो शेप्स थी वो डिफरेंट टाइप से अलग अलग हो चुकी हैं। जैसे आप शेप को अलग करना चाहें तो इस तरीके से आप इसे अलग कर सकते हैं। तो आप क्लिप आर्ट्स की पिक्चर को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप अनग्रुप कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस से हमारा जैसे था वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जो टूल्स थे आपको मैंने बताई दिए हैं। यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके आउटलाइंस के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं वो सभी के सभी ऑप्शन आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर इलस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है 3D मॉड्यूल का। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है MS Excel का जो कि आपको 2007 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 3D मॉड्यूल्स का। आप यहाँ पर 3D के मॉड्यूल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें ऑप्शन है दिस डिवाइस, यानी अगर आपके पास आपके डिवाइस में कोई इस तरीके का कंटेंट है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं है तो आप स्टॉक 3D मॉड्यूल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जैसे आप स्टॉक 3D मॉड्यूल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम उसी तरीके से ब्राउजर ओपन होगा, नेट से कनेक्ट होगा और आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स यहाँ पर शो अप हो जाएंगे। तो किस तरीके का मॉड्यूल आप चाहते हैं, किस तरीके का मॉड्यूल आप देखना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टॉयज का मॉड्यूल देखना चाहता हूँ तो मैंने टॉयज पे क्लिक किया। टॉयज पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टॉयज यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस भी टॉयज का आप मॉड्यूल बनाना चाहते हैं उस टॉयज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टॉयज यहाँ पर शो अप हो चुके हैं, किस तरीके की टॉयज आप चाहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम इस वाले टॉयज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपका वो जो डेटा था यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो मॉड्यूल था वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे आपका जो मॉड्यूल था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसे आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 3D मॉड्यूल व्यूअर्स के ऑप्शन हैं। आपको कितने तरीके से इसको शो अप कराना है, कितने तरीके से आप इसे देख सकते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने इसने दिए हुए हैं। उस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके सेंटर पॉइंट पर जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा ये सर्कल टाइप का। इस वाले सर्कल को जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करके रखेंगे और इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आप देखेंगे इस 3D को आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जिस भी एंगल पर आप इसे रखना चाहें उस एंगल पर आप इसे इजिली रोटेशन कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उसे वैसे रोटेट कर सकते हैं। तो है ना कमाल का फंक्शन। आप देखिए आपके सामने 3D मॉड्यूल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। आप इसके हर एक पार्ट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग यूज से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 3D मॉड्यूल्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे और भी अगर कोई मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसे क्लिक करेंगे रिसेट मॉड्यूल पे, यानी आपका जो मॉड्यूल था वो वापस से रिसेट हो जाए जैसा पहले था, तो इस पर वापस से क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जो मॉड्यूल था वो वापस से रिसेट यहाँ पर हो चुका है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे पैन एंड जूम का ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जूम करना है या जूम आउट करना है आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो MS Excel ने हमें बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस दिए हुए हैं इस 2019 वर्जन के अंदर। तो इन सभी ऑप्शंस का हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इलस्ट्रेशंस के अंदर वो है हमारा स्मार्ट आर्ट्स का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी तरीके का कोई भी स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप इसे कितने तरीकों से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्रोसेस के थ्रू अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। सर्कल के थ्रू अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी भी टाइप से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमें सिलेक्ट समझ में आता है उस ऑप्शन को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर वो सर्कल शो हो गया, और यहाँ पर कुछ भी मॉड्यूल यहाँ पर आप इजिली इस पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है हमारा ये एमएस एक्सेल का, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, सभी ऑप्शंस को यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। इसके क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन का यहाँ पर यूज देखते हैं। इंसर्ट में वापस से जाते हैं, इलस्ट्रेशन के अंदर वापस से जाते हैं, और अब लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा स्क्रीनशॉट का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो स्क्रीनशॉट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपने पहले से ही कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लिए हुए हैं जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम एक नया स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी वो जो विंडो थी वो यहाँ से ऑफ हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी, और उसके बाद जिस भी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें उस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, यानी उस चीज़ को उतने एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, उसको सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपका वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसके स्क्रीनशॉट को लेकर के एक एक टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन दिया है एमएस एक्सेल ने हमें। हालांकि ऑप्शन हमें पहले से ही विंडोज ने दिया हुआ है, जिसमें कि हमारा कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन का जब हम बटन प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही हमारा जो स्क्रीन होता है, जो भी हमारे सामने स्क्रीन होती है, वो हमारी कैप्चर हो जाती है, और उसके बाद जैसे हम कंट्रोल वी यानी पेस्ट का यूज़ करते हैं वो हमारे सामने वापस से रिप्रेजेंट हो जाती है। तो मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करिए कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से क्लिक करने के बाद सिंपली कंट्रोल वी कर दीजिए पेस्ट, तो आप देखेंगे आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर पूरी फुल स्क्रीन का यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा इलस्ट्रेशन का टॉपिक। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। एडिंस एमएस एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, जिसकी मदद से आप एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मेट फंक्शन फॉर्मूलाज के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के टॉप 5 एडिंस के बारे में। एक एक करके मैं आपको सभी एडिंस के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे एडिंस होते हैं जिसका यूज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएगा हमारा एडिंस का। अब ये एडिंस क्या चीज है, एडिंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज को इंश्योर करना होगा, आपको देखना होगा कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, नेट चलना चाहिए। जब हम एडिंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे एडिंस यहाँ पर शो अप हो रहे हैं, जिसमें से आप किसी भी एडिंस को आप ऐड करा सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एडिन है वो है विकिपीडिया। विकिपीडिया को जैसे हम यहाँ पर ऐड कराएंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे कंटिन्यू पे, कंटिन्यू पर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारा विकिपीडिया का जो एडिंस है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। इस एडिंस का फायदा ये है कि आप यहाँ पर विकिपीडिया में से किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन इजिली बिना इंटरनेट के ब्राउजर पे गए हुए यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक करके टाइप किया इंडिया, इंडिया लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इंडिया की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने शो अप हो जाएगी। यहाँ देखिए इंडिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक एक करके यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है हमारे एमएस एक्सेल का। दोस्तों अगर आपने ऑफिस 2007 का यूज किया है और उसके बाद अगर आप 2019 का यूज कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर एमएस एक्सेल ने अपग्रेड किया है, जिसकी मदद से आप अपने बहुत सारे वर्क को इजी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सभी एडिंस के बारे में समझेंगे, और पिछली वीडियोस में मैंने इलस्ट्रेशन से लेकर के पाइवट टेबल और होम टैब के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आगे की एडिंस की हम बात करें। जो हमारा नेक्स्ट एडिन है वो है मिनी कैलेंडर, और इसके बाद फिर से जाएंगे हम लोग एडिंस के अंदर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मिनी कैलेंडर। और जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने मिनी कैलेंडर का एक ऑप्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको भी आपको इसी तरीके से ऐड कराना है, ऐड वाले ऑप्शन पर जाकर के आपको सिंपली क्लिक करना है,
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका कैलेंडर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इस कैलेंडर का बेनिफिट ये होता है कि जिस भी डेट को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें वहाँ पर क्लिक करके आप उस डेट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किया 29, उसके बाद मैंने ऐड किया यहाँ पर 30, उसके बाद मैंने ऐड किया यहाँ पर 31, तीन डेट्स मैंने ऐड करा दी हैं। इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं सेल के साइज़ को। अब आपको यहाँ पर डेट्स दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टाइम को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा बटन आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा टाइम का। इस वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपकी टाइमिंग भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। जो भी करंट टाइम आपका हो रहा होगा वो करंट टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहते हैं जो डेट्स हमने इंसर्ट की थी उसको इस कैलेंडर के अंदर हाईलाइट करना, तो आप क्या कर सकते हैं, डेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा क्रॉस के जस्ट बगल में, इस वाले ऑप्शन पर आपको आकर के क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप आकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी वो तीनों डेट्स यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप अपने मिनी कैलेंडर का यूज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा एडिंस था। इसके बाद हम तीसरे एडिंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो एडिंस है हमारा वो है हमारा वेब वीडियो प्लेयर। तो चलिए हम उसको भी ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर हम चले जाते हैं वेब वीडियो प्लेयर वाले पेज पर और इसके बाद चले जाते हैं एडिंस पर और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा वेब वीडियो प्लेयर और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वेब वीडियो प्लेयर का एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको भी आप सेम इसी तरीके से ऐड करा लीजिए। ऐड पर क्लिक करिए, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर एडिंस ऐड हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वो URL मांग रहा है, यानी जिस भी वीडियो का URL आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे वो वीडियो यहाँ पर सेट हो जाएगी और उसके बाद आपको डायरेक्टली आप अपने स्क्रीन के अंदर यानी आप अपने MS Excel के अंदर उसको प्ले कर सकते हैं। यानी आपको ब्राउजर की जरूरत नहीं है, ब्राउजर पर जाकर के आपको वीडियो को प्ले करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर एडिंस में उसको ऐड कर सकते हैं और जब चाहें उन वीडियोस को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो का लिंक हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद इस लिंक को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर सेट वीडियो पर क्लिक करेंगे, सेट वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ पर इजिली सेट हो जाएगी और सेट होने के बाद जैसे हम प्ले वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्ले वाले बटन पर क्लिक करते ही हमारी वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस एडिंस का भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐड करा सकते हैं अपने MS Excel के अंदर। हमारा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ये थोड़ा सा समय ले रहा है। अभी मैं आपको प्ले करके इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये प्ले होता है और किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। क्वालिटी यहाँ पर डिम है, क्वालिटी को अगर आप यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहें तो क्लिक करके यहाँ पर क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्वालिटी आप रखेंगे उस क्वालिटी के हिसाब से आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिंस की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एडिन है वो है हमारा QR for Office। तो इसके लिए फिर से वापस हम जाएंगे एडिंस के ऊपर और यहाँ पर टाइप करेंगे QR for Office। जैसे आप QR for Office पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा जो QR कोड है यहाँ पर नीचे आपके सामने शो अप हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर ऐड करा दीजिए जैसे हमने बाकी एडिंस को ऐड कराया था और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपका QR कोड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप देखेंगे अगर आप किस चीज का QR कोड बनाना चाहते हैं, किसी लिंक का अगर आप QR कोड बनाना चाहते हैं या किसी हाइपरलिंक का QR कोड बनाना चाहते हैं या फिर किसी मेल का QR कोड बनाना चाहते हैं, टेलीफोन नंबर का, SMS का या किसी भी चीज का अगर आप QR कोड यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर इजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर का QR कोड बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर आपसे मांग रहा है तो मोबाइल नंबर अपना टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर रेंडमली कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ और इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका QR कोड यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कलर्स के भी ऑप्शन है। इस QR कोड को अगर आप कलर्स में जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी कलर आप पिक करेंगे, पिक करने के बाद जैसे इंसर्ट करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर QR कोड वो जनरेट हो चुका है कलर्स के अंदर। अगर आप इसे इसके बैकग्राउंड में कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड में जाइए और बैकग्राउंड में जो भी कलर आपको पिक करना है वो कलर पिक कर लीजिए और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में भी वही कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने QR कोड को जनरेट कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एडिंस है वो है हमारा EMI कैलकुलेटर। तो EMI कैलकुलेटर के लिए आपको करना क्या है, सिंपली चले जाना है एडिंस के ऊपर और एडिंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है EMI कैलकुलेटर।
EMI कैलकुलेटर पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने EMI कैलकुलेटर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। इसको आपको ऐड करा लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है लोन अमाउंट, यानी कितने का लोन आप अमाउंट ले रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर टाइप करिए। तो मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 5 लाख रुपीज़, और यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप कितने साल के लिए उस लोन को ले रहे हैं, तो वो डाल दीजिए। लाइक हमने दे दिया 3 ईयर्स के लिए। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट बताना होगा, कितना इंटरेस्ट कंपनी आपके ऊपर चार्ज कर रही है। तो मान लीजिए हमने दे दिया 12.5% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है कंपनी हमारे ऊपर। तो EMI हमारी क्या होगी, जैसे हम कैलकुलेट EMI पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कैलकुलेट EMI पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपकी EMI कैलकुलेट होकर के आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसको यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा लोन अमाउंट था वो 5 लाख रुपीज़ का था, इंटरेस्ट रेट लग रहा है 12.5% का। उसके बाद जो हमारा ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर है, वो 3 ईयर्स की किस्तें हैं, यानी 36 महीने की किस्तें हो गई हमारी। और उसके बाद जो हमारी मंथली EMI बनेगी, यानी मंथली हमारी जो किस्त बनेगी वो 16,727 रुपये की किस्त बनेगी। तो इस तरीके से आप EMI कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यही थे हमारे 5 add-ins। इसके अलावा और भी बहुत सारे add-ins हैं जिनका यूज़ आप अपने MS Excel के अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है MS Excel का, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आपके सामने शो अप होगा जिसका नाम है My add-ins। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने जितने भी आपके add-ins हैं वो यहाँ पर शो अप हो जाएंगे, यानी कि जितने भी हमने add-ins का यूज़ किया हुआ है वो सभी add-ins यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा विजुअलाइजर का। हम सिंपली डाटा विजुअलाइजर पर क्लिक करेंगे। डाटा विजुअलाइजर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन पर क्लिक करना है, या तो आप कंटिन्यू विदाउट साइन इन भी कर सकते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। तो हम फिलहाल अब इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट साइन इन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विदाउट साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। किसी भी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वर्टिकल वाला डेटा सेलेक्ट करते हैं। वर्टिकल वाला डेटा हमने जैसे ही सेलेक्ट किया आप देखेंगे आपका डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने एक टेबल भी आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस टेबल के अंदर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया नेम के अंदर, और नेम में हमने नाम दे दिया विनोद कुमार। जैसे हमने विनोद कुमार नाम दिया और एंटर प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर अभी वही नाम है, अभी चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने रिफ्रेश का एक ऑप्शन नजर आएगा। इस रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही वहां पर देखेंगे वो रिफ्रेश हो जाएगा हमारा डेटा, और यहाँ पर विनोद कुमार रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप देखिए विनोद कुमार का डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो यहाँ से आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको साइन इन करना मस्ट होगा, साइन इन करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा विजुअलाइजर का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बिंग मैप है। तो हम किस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर मैप को ओपन कर सकते हैं, मैप को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बिंग मैप पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा बिंग मैप यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस तरीके से लोड होना स्टार्ट होगा। लोड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट सैंपल डेटा का एक ऑप्शन आएगा। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी लोकेशंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। और उसके बाद आप इस मैप को जूम करके अपने हिसाब से जिस भी जगह की लोकेशन देखना चाहें उस लोकेशन को ईजिली यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिंग मैप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। जैसे मान लीजिए COVID-19 का समय चल रहा है, तो यहाँ पर COVID-19 का ही मैंने एग्जांपल ले लिया है। तो मान लीजिए हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1 लाख हैं, नेगेटिव केसेस हमारे 50,000 हैं, और रिकवर केस हमारे 35,000 हैं। तो इसका हमें एक ऐसा डायग्राम बना करके दिखाना है जिसे आप लोग मोस्टली न्यूज़ के अंदर देखते होंगे। तो उस डायग्राम को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से MS Excel के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये। तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा कूल पिक्चर्स का। इस कूल पिक्चर्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का डायग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हमें इसको यूज किस तरीके से करना है, फिलहाल हम इसको मूव करा लेते हैं। हमने इस डेटा को यहाँ पर मूव करा लिया है, और उसके बाद आपको सिंपली जाना है इस डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम के ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इस कैलेंडर का टाइप का एक ऑप्शन शो होगा डेटा का। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर नंबर अबाउट द ऐप आ रहा है, जो आपके सामने यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह पे आप जो भी हेडिंग देना चाहें वो यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया COVID-19
कोविड 19 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर स्लैक डेटा पर क्लिक किया। स्लैक डेटा पर क्लिक करने के बाद तो अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और सिंपली मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके के केसेस यहाँ पर शो हो गए। इस तरीके के पॉजिटिव आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ पॉजिटिव केसेस हैं, नेगेटिव केसेस हैं और रिकवर केसेस हैं। इस तरीके का डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट। अगर आप इस डायग्राम को चेंज करना चाहते हैं या इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर वापस से आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से जाना होगा सेटिंग्स के ऊपर और सेटिंग्स में जाने के बाद आप डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फॉर्मेट दिए गए हैं। इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे इजिली सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डायग्राम को मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे MS Excel के add-ins जिनका यूज मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि चार्ट मेनू के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे रिकमेंडेड चार्ट्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गए, मैप के चार्ट्स हो गए और पाइवट चार्ट्स हो गए। इन सभी चीजों के बारे में मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के बारे में बताया था। इसी तरीके से आप चार्ट्स के अंदर अगर देखेंगे तो पाइवट चार्ट्स और रिकमेंडेड चार्ट्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा पाइवट चार्ट की, पाइवट चार्ट क्या होता है। आप यहाँ पर देखेंगे हमने एग्जांपल्स के लिए कुछ यहाँ पर एम्प्लॉइज के नेम लिए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, उनकी सेल्स ली है 2020 की और 2021 की। अब इसके बेस पे हम एक पाइवट चार्ट तैयार करेंगे। तो वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है पाइवट चार्ट वाले ऑप्शन पर। पाइवट चार्ट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है न्यू वर्कशीट, यानी आपको जो पाइवट चार्ट चाहिए वो न्यू वर्कशीट पर चाहिए, या दूसरा ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है एग्जिटिंग वर्कशीट, यानी आपको जो पाइवट चार्ट चाहिए वो एग्जिटिंग सेम इसी वर्कशीट पर चाहिए। हमने पिछली वीडियो में आपको न्यू वर्कशीट के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एग्जिटिंग वर्कशीट कि आप सेम इसी शीट पर किस तरीके से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एग्जिटिंग वर्कशीट और यहाँ पर इसकी लोकेशन दे देते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसका चार्ट चाहिए, और यहाँ पर लोकेशन देते हुए हम यहाँ पर सिंपली इसे ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पर पाइवट चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अब आपको करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जितने भी आपके टाइटल्स थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें कि आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, सेल्स 2020, सेल 2021, ये सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉयज पे, इस पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इसकी टेबल क्रिएट हो गई और साथ के साथ आप देखेंगे इसको आप चार्ट यहाँ पर बनता चला जाएगा। अभी फिलहाल नेम ऑफ एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कोई भी डेटा रिप्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसको जब तक हम वैल्यूज नहीं देंगे तब तक ये चार्ट को क्रिएट नहीं करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सेल देते हैं 2020 की। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल 2020 की हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है डेटा कि किस एम्प्लॉय ने 2020 में कितनी कितनी सेल की है, वो आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के नाम आ गए कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है और उसने कितनी कितनी सेल्स की है, वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जा रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पर सेल 2021 को भी ऐड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल 2021 भी यहाँ पर ऐड हो चुका है और साथ के साथ यहाँ पर आप देखेंगे उसकी पाइवट टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। इस पाइवट टेबल में आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है कैटेगरीज का, तो यहाँ पर इस वाले डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन को उठा करके अगर आप यहाँ पर डाल देते हैं वैल्यूज के अंदर तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो कुछ इस तरीके से थीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज का यहाँ पर नेम शो करेगा, उनके यहाँ पर सेल्स शो करेगा, डिपार्टमेंट शो करेगा, डिपार्टमेंट्स वैल्यूज में शो कर रहा है। और इसके बाद हम फिलहाल डिपार्टमेंट्स को यहाँ से हटा लेते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ डिपार्टमेंट्स को रखना चाहता हूँ और नेम ऑफ एम्प्लॉय को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो डिपार्टमेंट्स को रखते हुए यहाँ पर मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय को यहाँ से हटा दूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने डिपार्टमेंट्स शो हो गए। और डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पर इतने की सेल की है, फर्नीचर ने इतने की सेल की है 2020 में, और गारमेंट्स ने इतने की सेल की है 2020 में। उसी तरीके से 2021 का भी यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया है और उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नेम ऑफ एम्प्लॉय पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने किस कैटेगरी के अंदर, यानी किस डिपार्टमेंट के अंदर
कौन कौन पर्सन है जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो यहाँ पर इनकी लिस्ट बनकर आ चुकी है, जो कि आपकी एक तरह से पाइवट टेबल है। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में भी बिल्कुल उसी तरीके से डेटा आपका मैन्युअली एडजस्ट होता चला जाएगा, जिस जिस तरीके से आप इसको हटाते जाएंगे या जिस जिस तरीके से आप इसको मैनेज करते जाएंगे, उस तरीके से आपका ये जो पाइवट चार्ट है वो क्रिएट होता चला जाएगा। तो यही है पाइवट चार्ट। आप कितने तरीके से पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट रिक्वायरमेंट से, कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और सामने वाले बंदे को इसका प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हम पाइवट चार्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं पाइवट चार्ट ऑप्शंस पर, और आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन शो अप होता है स्लाइसर का। इस स्लाइसर वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्लाइसर का एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको करना क्या है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और डिपार्टमेंट का मैं एक स्लाइसर तैयार करना चाहता हूँ। यहाँ से जैसे मैं इसे ओके प्रेस करूंगा तो ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट्स तैयार हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर और गारमेंट्स के। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का डेटा यहाँ पर शो हो गया। अगर मैं फर्नीचर पर क्लिक करके दिखाऊं तो फर्नीचर का डेटा यहाँ पर शो हो गया, और अगर मैं यहाँ पर गारमेंट्स पर क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखेंगे गारमेंट्स का डेटा यहाँ पर शो हो चुका है, और उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर उसकी सेल भी यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको स्लाइसर ऐड करा के अपने डेटा को फिल्टर करा सकते हैं, और अगर आपको फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लियर फिल्टर का एक ऑप्शन है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फिल्टर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये स्लाइसर यहाँ से रिमूव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और डिलीट की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देनी है। डिलीट की प्रेस करते ही आपका स्लाइसर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पाइवट चार्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा रिकमेंडेड चार्ट। अब रिकमेंडेड चार्ट किस तरीके से यूज किया जाता है उसके लिए हम नई शीट पर चले जाते हैं, और आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक डेटा पहले से ही लिया हुआ है, सेम वही डेटा हमने फिर से यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे रिकमेंडेड चार्ट्स पर। रिकमेंडेड चार्ट्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड चार्ट बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने डेटा को कितने तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कितने तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी पर्सन के सामने। तो यहाँ पर आपको बने बनाए फॉर्मेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, किसी भी फॉर्मेट को आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके पर प्रेस करना है। जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे आपके सामने रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और उसके बाद जिस तरीके से आप इसको एनालाइज करना चाहें, जिस तरीके से आप इसके अंदर एडिटिंग करना चाहें, वो एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एड चार्ट्स एलिमेंट्स का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने डेटा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने टाइटल्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा एनालिसिस को ऐड कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, अपने एरर्स को ऐड कर सकते हैं, अपने डेटा टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने ऑप्शंस हैं, लिंक्स वगैरह भी आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उन सभी ऑप्शंस का एक एक करके आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्विक टेबल का एक ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो इस चार्ट के साथ अगर अपनी टेबल को भी दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पर हमने मिडल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो चार्ट का टेबल था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। हम इसे फिलहाल कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स में से कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चेंज कलर्स का भी आपके सामने ऑप्शन है, आप यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कलर में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जितने तरीके से आप चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्विच रो टू कॉलम, यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो रो की जगह कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे तो कॉलम की जगह रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा का, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, और इस विंडो के अंदर अगर आप अपने हिसाब से डेटा को एनालाइज करना चाहें, मान लीजिए अभी हमने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे लिया हुआ है और मैं अब इसमें से कुछ कम डेटा को लेना चाहता हूँ, यानी सिर्फ और सिर्फ सेल 2020 को दिखाना चाहता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट करके जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा, ओके करते ही आप देखेंगे सेल 2021 का डेटा यहाँ पर हट चुका है, और यहाँ पर हमारे सामने जो चार्ट बन के रिप्रेजेंट हुआ है वो बेसिकली सेल 2020 का है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने चार्ट के टाइप को चेंज करना चाहें तो देखिए आपके सामने एक ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप का, इस पर क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप से चार्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास लाइनिंग वाले चार्ट्स भी हैं, कॉलम वाले चार्ट भी हैं, पाई चार्ट्स भी हैं, बार वाले चार्ट्स भी हैं, एरिया वाले चार्ट्स भी हैं, एक्स वाई जेड वाले चार्ट्स भी हैं, मैप वाले चार्ट्स भी हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कॉलम ले लिया, कॉलम की तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कॉलम में हम कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपल इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा ये जो चार्ट था वो मैनेज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपके सामने शो अप हो रहा है मूव चार्ट का। अगर आप अपने चार्ट को मूव करना चाहते हैं किसी अदर शीट के ऊपर तो मूव चार्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा न्यू शीट पर,
और न्यू शीट पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपकी एक नई शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आपका सिंपली सिर्फ चार्ट मैनेज होगा। इस चार्ट को आप यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करके अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, जिस भी तरीके से आप इसको एनालाइज करना चाहें उस तरीके से यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। ये था हमारा रिकमेंडेड चार्ट। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा मैप का। तो फिलहाल हम मैप को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद बाकी के ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। अब मैप के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है आपका मैप का। ये मैप किस तरीके से क्रिएट होता है, जिसके लिए हमने यहाँ पर मैप का पहले से एक डेटा लिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे हमने कुछ स्टेट्स लिए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हमने कुछ स्टेट्स लिए हुए हैं और यहाँ पर उनके कुछ सेल्स ली हुई हैं। अब इन सभी स्टेट्स को हम क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट करेंगे। आपको स्टेट को और इसके सेल्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको टोटल वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी है। सिंपली आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, जितने भी आपके स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को और उनके टोटल वैल्यू को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे मैप के अंदर और मैप के अंदर आपके ऑप्शन नजर आएगा यहाँ पर मैप का। जैसे आप फील्ड मैप पर क्लिक करेंगे, फील्ड मैप पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पर मैप फिलफिल हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपका सीरीज वाला, इस वाले ऑप्शन को अगर आपको गायब करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट की प्रेस कर दीजिए, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसके चार्ट को कोई टाइटल देना चाहें तो यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसका टाइटल सेल्स और इसके बाद हमने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो मैप है वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट के फॉर्मेट्स हैं, आप यहाँ से क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स के फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सिंपल रहने देंगे। सिंपल के बाद यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका फिलहाल यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई भी कलर लेकर के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर एड चार्ट एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर अगर आप कोई एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर एलिमेंट्स ऐड करना बताया था, अगर उस तरीके से आप इसमें कोई एलिमेंट्स ऐड करना चाहें तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं मैं फिलहाल अभी उसी एलिमेंट्स को यूज करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना होगा प्लस वाले निशान पर। प्लस वाले निशान पर जाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है चार्ट टाइटल। यहाँ पर जैसे आप क्लिक हटा देंगे तो चार्ट टाइटल यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके नाम यहाँ पर शो हो जाए और उनके यहाँ पर जो भी हमारी सेल्स है वो यहाँ पर शो अप हो जाए। तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर शो होगा डेटा लेबल्स का। डेटा लेबल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे। तीन ऑप्शंस में से आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है मोर डेटा लेबल्स का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और डायलॉग बॉक्स के ओपन होने के बाद आप मैप के अंदर देखते हैं तो मैप के अंदर आप देखेंगे आपके सारे स्टेट्स के नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब इस नंबर्स की जगह मुझे अगर अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है कि मेरी किस किस जगह पर कौन कौन से जगह पर मेरे स्टेट्स हैं और कितनी कितनी सेल्स हुई है, मुझे वो दोनों चीज़ें अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कैटेगरीज नेम का। इस कैटेगरी नेम पर आपको टिक करना होगा और यहाँ पर आपको, अब आप इसे जूम करके देखिए और यहाँ पर हमारे स्टेट्स का नाम और उसकी सेल भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। अगर आपको सेल्स को रिमूव करना है तो यहाँ पर वैल्यू को आप यहाँ से हटा दीजिए। वैल्यू को हटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा था वो रिप्रेजेंट हो चुका है, आपके स्टेट्स के नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप चाहें तो कोई कलर यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ग्रेडियंट कलर ले लिया या पिक्चर्स कलर ले लिया। इस तरीके से आप अपने जो भी स्टेट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जिस कलर में इसको मैनेज करना चाहें उस कलर में हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा चार्ट का ऑप्शन। इस तरीके से आप अपने स्टेट का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने कंपनीज के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने डेटा को सामने वाले बंदे को दिखा सकते हैं कि किस किस स्टेट में आपके कितनी कितनी सेल्स हुई हैं, या डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पाई चार्ट्स का। तो पाई चार्ट्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। पाई चार्ट्स के लिए भी आप देखेंगे हमने यहाँ पर पहले से ही एक टेबल ली हुई है। इस टेबल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद हम चले जाते हैं पाई चार्ट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें से कोई भी चार्ट्स आप यहाँ पर उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉलम्स वाले चार्ट्स। 3D कॉलम चाहिए आपको या बार वाले चाहिए, जिस डिफरेंट टाइप्स के आपको चार्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिस भी चार्ट में आप इसको दिखाना चाहते हैं इस तरीके से आप उसको
दिखा सकते हैं। आप देखेंगे हमारा जो मैटर था वो इस तरीके से पाई चार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरीके से आप इसे स्विच कर सकते हैं कॉलम और रो के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। उस तरीके से आप इसके कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं, यहाँ पर भी आप फॉर्मेट भी यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन पाई चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बाकी चार्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिलहाल कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ और कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से वापस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो चार्ट है यहाँ पर लाइनिंग वाला चार्ट शो कर रहा है। इसमें आप कोई भी लाइनिंग सिलेक्ट करके आप इस तरीके से चार्ट को रिप्रेजेंट करा सकते हैं लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास चार्ट है, मैं एक एक करके आपको सभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो इसको पाई चार्ट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, किसी चीज को मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप्स के कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चार्ट चाहिए होगा वैसा चार्ट आप इसमें मैनेज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। इसके बाद का जो नेक्स्ट चार्ट है हमारा वाटरफॉल चार्ट है। इस पे क्लिक करके आप यहां पर वाटरफॉल्स की तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको दिखाना है कि जैसे आप किसी ऐसे डेटा को दिखाना चाहते हैं जिसमें वाटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए वाटरफॉल के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे उसके हिसाब से डेटा मैनेज हो चुका है। तो हमने सिंपल एक वही डेटा लिया हुआ है बार बार आपको समझाने के लिए, लेकिन आप इसमें जो डेटा लेंगे अगर आप यहाँ पर वाटरफॉल का डेटा लेंगे तो उसके हिसाब से इसकी वेव बताएगा कितनी वेव इसकी मूव हो रही है, कितनी जा रही है, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, कितनी डिक्रीमेंट हो रही है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको वन बाय वन करके रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है वो कॉम्बो चार्ट है। कॉम्बो चार्ट पे जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन चार्ट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। दो दो इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल 2020 2021 दोनों को रिप्रेजेंट करा रहा है कॉम्बो यानी कंबाइन करके। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्लिक करके इसको एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इस डेटा को मैनेज कर सकते हैं जैसा भी आप मैनेज करना चाहें। तो यही थे हमारे चार्ट्स के ऑप्शंस यानी पाई चार्ट्स के ऑप्शंस। 3D मैप बेसिकली MS Excel का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसका यूज कंपनी वर्ल्ड वाइड वेब के डेटा को एनालाइज करने के लिए करती है। आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है कोरोना वायरस का, जिसके अंदर हमने टोटल केसेस लिए हुए हैं, न्यू केसेस लिए हुए हैं, डेथ केसेस लिए हुए हैं। इस तरह से हमने इंटरनेट से पूरा का पूरा चार्ट इंपोर्ट किया है। मैं आपका सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप इंटरनेट के डेटा को किस तरीके से MS Excel के अंदर ला सकते हैं, किस तरीके से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आपको जाना है सीधे अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर हमने टाइप किया है कोरोना वायरस अपडेट। इस तरीके से आप कोई भी डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक लिंक आएगा वेबसाइट का, जिसमें आप देखेंगे कोविड लाइव अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर उसका चार्ट भी बना हुआ है और साथ के साथ यहाँ पर देखेंगे उसका डेटा भी यहाँ पर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। ये देखिए यही डेटा हमने इंपोर्ट किया है अपनी MS Excel की शीट पर। तो इस पूरे डेटा को आप किस तरीके से अपने MS Excel के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए करना क्या है, आपको इसके लिंक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है सीधे MS Excel के अंदर। MS Excel में आने के बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा फ्रॉम वेब का। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अपना लिंक डालना होगा जो कि हमने इंटरनेट से कॉपी किया था। इस URL को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा उसको इंपोर्ट करने में, तो इसे होने देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है नेविगेटर का। अब इसमें भी थोड़ा सा ये समय लेगा, इसको इंपोर्ट होने दीजिए। ये सभी डेटा को एनालाइज कर रहा है, जितना भी डेटा इंटरनेट पर पड़ा हुआ है उस सभी डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है। तो इसको कलेक्ट करने देते हैं। आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर चार डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी एक्सटेंशंस वगैरह हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद हमारे पास टेबल्स दी गई हैं। तो हम जीरो टेबल को ओपन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कौन सा हमारा डेटा है। तो यही डेटा हमें चाहिए था, इस वाले डेटा को हमें सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा लोड का। इस लोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जहाँ भी आपने कर्जर रखा होगा वहाँ इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इंटरनेट का कोई भी डेटा MS Excel के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है, अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेटा का आपको मैप बनाना है उसको कॉपी करके अलग शीट पर पेस्ट कर दीजिए जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है।
हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हमने पहले से ही फाइल ली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस डेटा को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, और इसके बाद इस डेटा को आपको क्या करना है, सिंपली इस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर जाकर के कंट्रोल ए प्रेस करिए, कंट्रोल ए प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा 3D मैप का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे 3D मैप का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ से आपको लेना है न्यू टूर। न्यू टूर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और उसके बाद आपको एक मैप बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो आप देखेंगे हमारा मैप यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे हमारा डेटा यहाँ पर शो अप होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लेबल पर जाना है। मैप लेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी कंट्रीज के नाम यहाँ पर शो अप होने शुरू हो जाएंगे, यानी सभी कंपनीज के नाम यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट हो जाएंगे दिखने। और इसके बाद आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर। जैसे हम यहाँ पर टोटल केस को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने लेयर ओपन हो जाएगी। इस लेयर को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। इस तरीके से मैनेज करने के बाद यहाँ पर आप फील्ड नेम पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फील्ड नेम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टोटल केसेस को। आप देखेंगे यहाँ पर डॉट्स के थ्रू वो सभी केसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर जितना केस है उतना बड़ा डॉट यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप ग्राफ के थ्रू इसे देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डॉट के थ्रू आप इसमें देख सकते हैं कि किस कंट्री में कितने केसेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप वर्ल्ड वाइड का कोई भी डेटा एनालाइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैट मैप का। फ्लैट मैप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका मैप जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, अपनी कंट्रीज को ढूंढ सकते हैं, और उसके अंदर जितने स्टेट्स हैं आप उसको भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं स्टेट के अंदर कितने केसेस हैं, अगर आपने डेटा यहाँ पर लिया हुआ है तो वो भी आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा, उस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कंट्री को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फाइंड पर क्लिक करना होगा। फिलहाल हम कंट्री से दूर चले जाते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया फाइंड लोकेशन पर, और यहाँ पर डाल दिया हमने इंडिया। जैसे हमने इंडिया डाल करके इंसर्ट किया, ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे हमें इंडिया वाले लोकेशन पर लेकर आ चुका है, यानी आप अपनी कंट्रीज को यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप वर्ल्ड वाइड वेब के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आया, और ऑप्शन है थीम का। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको किसी थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने थीम दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कलर दिए गए हैं, उस तरीके से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। वापस से हम इसको 3D मैप में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्लैप मैप को हमने हटा दिया, और इस तरीके से आप अपने डेटा को देख सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का फीचर हमें एक्सेल ने हमें दिया है इसको यूज़ करने के लिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें वर्ल्ड वाइड का डेटा दिखाना हो, डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड वेब में फैला हुआ है पूरी तरीके से, और जहाँ जहाँ पर उसका जितने ज़्यादा केसेस हैं उस तरीके से आपके सामने डॉट्स शो हो रहे हैं। तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फंक्शन हमें एमएस एक्सेल ने दिया है। स्पार्कलाइन एमएस एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जिसका यूज़ कंपनीज अपने डेटा को किसी एक सेल के अंदर पाई चार्ट के माध्यम से समझाने के लिए यूज़ करती है। जिस तरह से MIS रिपोर्ट तैयार की जाती है बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहें तो अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। पाई चार्ट के बारे में आपको तो पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने पाई चार्ट के बारे में सारी डिटेल दी हुई है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हम बात करते हैं आज स्पार्कलाइन के बारे में, स्पार्कलाइन का यूज़ क्या होता है और स्पार्कलाइन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम लिए हुए हैं, और जनवरी से लेकर के जुलाई तक के मंथ की हमने सेल्स ली हुई है, और इस सेल्स के अंदर आप देखेंगे अलग अलग डेटाबेस है, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग सेल्स की है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने जनवरी का पूरा डेटाबेस लिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे इस कॉलम के अंदर यहाँ पर एक पाई चार्ट तैयार है। इस सेल के अंदर जिस तरीके से भी हम कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया 56,000, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पाई चार्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये बेसिकली हर एक सेल का अलग अलग पाई चार्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस हिसाब से हम डेटा को यहाँ पर चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर पाई चार्ट चेंज होता चला जाएगा, जिस तरीके से पाई चार्ट चेंज होता है उसी तरीके से आप देखेंगे हमने यहाँ पर जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का और जुलाई का डेटाबेस तैयार किया हुआ है। इस स्पार्कलाइन के अंदर आप देखेंगे जो भी डेटाबेस हमारा जनवरी से लेकर के जुलाई तक के बीच में जितनी भी सेल्स हुई है, यानी अमन ने जितनी भी सेल्स हुई है उसका जो रेशियो है देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से यानी कॉलम स्पार्कलाइन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी हिसाब से डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे लॉस स्पार्कलाइन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप से आप इसे देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप इसकी कंडीशन सेट करते हैं, जैसा आप चाहें कलर्स को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं।
तो ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए आप देखेंगे शीट 2 पर हमने एक ब्लैंक डेटाबेस आपके लिए लिया हुआ है, आपको समझाने के लिए कि आप स्पार्कलाइन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जनवरी का डेटा देखते हैं कि जनवरी की स्पार्कलाइन किस तरीके से हमने ऊपर की तरफ जो क्रिएट की थी वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जनवरी के ऊपर क्लिक करना है, यानी यहाँ पर आपको अपने सेल की हाइट को इंक्रीज कर लेना है और इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और इंसर्ट टैब के अंदर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा कॉलम स्पार्क लाइन का। इस कॉलम स्पार्क लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा रेंज आपसे मांग रहा है, तो डेटा रेंज हमारी है कौन सी, तो हमारा जो डेटा है वो डेटा हमारा ये है, तो हम पूरे डेटा की रेंज यहाँ से ले लेंगे और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे आपका जो पाई चार्ट था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल दिए हुए हैं, इस स्टाइल में आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है वो स्टाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा मार्कर कलर का, तो मार्कर कलर पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखिए हाई पॉइंट पर आप क्या कलर देना चाहते हैं, तो हाई पॉइंट पर मान लीजिए हम देना चाहते हैं ब्लैक कलर, और इसके बाद इसके ऊपर ही एक ऑप्शन है लो पॉइंट का, तो लो पॉइंट के अंदर हम देना चाहते हैं रेड कलर, और इसके बाद हमने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पाई चार्ट को सिलेक्ट करके रखना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हाई पॉइंट और लो पॉइंट, जब भी आप इस पर टिक करेंगे तो आपका ये डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो लो पॉइंट में आप देखेंगे बहुत ही कम है, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा लो पॉइंट यहाँ रेड कलर में शो हो रहा है। अगर यहाँ पर हम किसी डेटा को लो पॉइंट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3 टाइप कर दिया और 3 टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे उसका लो पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया। उसी हिसाब से अपने लो पॉइंट को हाई पॉइंट को मैनेज कर सकते हैं, उसके कलर्स को मैनेज कर सकते हैं और स्पार्क लाइन को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप राइट की तरफ ड्रैग करके कंट्रोल आर जैसी प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका जो पाई चार्ट था वो यहाँ पर फुलफिल हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पार्क लाइन की, स्पार्क लाइन आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो स्पार्क लाइन के लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले स्पार्क लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लाइन का एक ऑप्शन है, यानी लाइन चार्ट आपको बता रहा है। तो लाइन के थ्रू आप किस तरीके से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से सामने वाली पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने बॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है इस लाइन वाले ऑप्शन पर। लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डेटा की रेंज लेनी है, तो डेटा की हम लोग यहाँ से रेंज ले लेते हैं। रेंज लेने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर लाइन चार्ट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की आपको आपके सामने थीम दी गई है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साइज को अगर आप इंक्रीज करना चाहें, यानी इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें, तो इसको बोल्ड करने के लिए आपको जाना है स्पार्क लाइन कलर पे। स्पार्क लाइन कलर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी विथ का ऑप्शन आ गया। इस विथ वाले ऑप्शन पर जाकर के आपको जो भी लाइन सेलेक्ट करनी है वो लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो स्पार्क लाइन था वो बोल्ड हो चुका है, और इसके बाद इसकी लाइन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम लोग, ये ज्यादा बोल्ड लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मार्कर का ऑप्शन है, जैसे आप मार्कर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी पॉइंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, और इन पॉइंट्स के कलर को अगर आप यहाँ से मैनेज करना चाहते हैं, यानी मार्कर में जाकर के हाई पॉइंट या लो पॉइंट के कलर को मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके आप लो पॉइंट या हाई पॉइंट के कलर को मैनेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं हाई पॉइंट के लिए, और इसके बाद हम लो पॉइंट के लिए यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैक। ब्लैक लेने के बाद हम यहाँ पर सिंपली ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लो पॉइंट और हाई पॉइंट को मैनेज करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट को भी मैनेज कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट को भी मैनेज कर सकते हैं, और नेगेटिव पॉइंट को भी आप यहाँ पर इजिली मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, साथ के साथ यहाँ से आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पार्क लाइन, आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो सिंपली आप डेटा को यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग करिए और कंट्रोल डी दबा दीजिए। कंट्रोल डी दबाते ही आप देखेंगे आपकी जो स्पार्क लाइन थी वो यहाँ पर इजिली मैनेज हो चुकी है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलम स्पार्क लाइन की। कॉलम स्पार्क लाइन आपका किस लिए यूज किया जाता है, तो कॉलम में मैंने आपको बता दिया सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर कॉलम का यूज किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पर कॉलम के अंदर एक स्पार्क लाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक छोटा सा चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के सेल्स के डेटा के लिए। तो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ कॉलम स्पार्क लाइन पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कॉलम स्पार्क लाइन का एक ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपने डेटा की रेंज ले लेनी है। रेंज लेने के बाद सिंपली आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका कॉलम स्पार्क लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको नीचे की तरफ आपको ट्रैक करना है, कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। कंट्रोल डी प्रेस करते ही आपका डेटा यहाँ पर मैनेज
हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए हाई पॉइंट को यहाँ पर दे दिया रेड कलर और इसके बाद अगर लो पॉइंट को मुझे मैनेज करना है तो लो पॉइंट को मैं दे देता हूँ मान लीजिए ब्लैक कलर और इसके बाद मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो ब्लैक कलर में जो हमारा डेटा आ रहा है वो हमारा लो पॉइंट है और रेड कलर में जो हमारा डेटा आ रहा है वो हमारा हाई पॉइंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ से डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कलर्स को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग बात करेंगे विंडो स्पार्क लाइन का। अब इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, सिंपली आपको सेल पर क्लिक करना है उसी तरीके से और इस वाले स्पार्क लाइन पर क्लिक करना है और अपने डेटा की उसी तरीके से एज इट इज रेंज ले लेनी है और सिंपली ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ से आप सेम उसी तरीके से डेटा को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को मैनेज कर सकते हैं और इसके बाद इसको सिंपली आप नीचे तक ला करके और कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करते ही आप देखेंगे आपकी यहाँ पर जो स्पार्क लाइन थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है और इसको भी आप अपने हिसाब से कलर्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इसको आपको सेलेक्ट करके रखना होगा, स्पार्क लाइन टूल पर जाना होगा और यहाँ से आपको जाना होगा मार्कर कलर पे। यहाँ पर हाई पॉइंट को मैनेज करने के लिए मान लीजिए हम लोग रेड को लेते हैं, ये हाई पॉइंट है हमारा, और अगर हमें लो पॉइंट को मैनेज करना है तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए ग्रीन कलर ले लिया हमने लो पॉइंट। और उस तरीके से आप अपने स्पार्क लाइन को मैनेज कर सकते हैं हाई पॉइंट लो पॉइंट के हिसाब से। और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप फर्स्ट पॉइंट मैनेज करना चाहते हैं, लास्ट पॉइंट मैनेज करना चाहते हैं, नेगेटिव पॉइंट मैनेज करना चाहते हैं तो उसका कलर भी आप यहाँ पर इजिली अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा स्पार्क लाइन का चैप्टर। अगर आप एमएस एक्सेल के 2019 वर्जन में जो एक अपग्रेड आया है फिल्टर का, और फिल्टर में आप देखेंगे दो ऑप्शन है हमारे सामने, एक स्लाइसर का और एक टाइमलाइन का। दोनों ही ऑप्शन बड़े कमाल के ऑप्शन है, ये बेसिकली 2013 से ऊपर के वर्जन में ही आपको दिखाई देंगे और इन दोनों का यूज कंपनीज अपने बड़े से बड़े डेटा को एनालाइज करने के लिए करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जिसके हमने 3 स्लाइसर ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइसर का यूज दिखा देता हूँ कि स्लाइसर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कुछ सेल्समैन के नाम है, उनकी कंट्रीज के नेम है, उनके आइटम्स के नेम है और उनकी कैटेगरी है। यहाँ पर आप देखेंगे उसकी क्वांटिटी, प्राइस और टोटल प्राइस है। हम इसको फिल्टर करना चाहते हैं कितने तरीके से, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने इनके 3 स्लाइसर लिए हुए हैं जिसमें सबसे पहला स्लाइसर है हमारा कंट्री, दूसरा है आइटम नेम और तीसरा है हमारा कैटेगरी। हम इन तीनों ही स्लाइसर के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मुझे इस पूरे डेटा में से सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही डेटा देखना है, तो जैसे ही मैं इंडिया पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे सिर्फ इंडिया का ही डेटा मेरे सामने रिप्रेजेंट होगा और इसके जो प्राइस लिस्ट है, जो क्वांटिटी है और टोटल प्राइस लिस्ट है वो आप देखेंगे दोनों यहाँ पर शो हो चुकी है। यानी कि अगर आप 17 और 24 को प्लस करेंगे तो 41 ही क्वांटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। और इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल प्राइस की, तो टोटल प्राइस अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यही अमाउंट आपका यहाँ पर शो होगा। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा, अगर आप इंडिया के अंदर आप देखना चाहते हैं सिर्फ लैपटॉप को, तो जैसे ही आप लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका लैपटॉप का डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। बेसिकली हमने बहुत ही छोटा डेटा लिया है आपको समझाने के लिए। आप अगर आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा होगा तो आप बड़े ही आसानी से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपके सामने आइटम्स दिए गए हैं, डेल का, एसर का या एचपी का। तो एचपी और एसर का यहाँ पर कोई आइटम है ही नहीं, सिर्फ डेल का आइटम है जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर में एक छोटा सा ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वापस से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से अपने डेटा को आप क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं जापान का, तो जापान पे क्लिक करिए, जापान का डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आइटम नेम के थ्रू फिल्टर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप सिर्फ लैपटॉप को देखना चाहते हैं, जैसे ही आप लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप का डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक इंडिया का और दूसरा यूएस का। इसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी भी ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए लैपटॉप के साथ साथ आपको हार्ड डिस्क भी देखना है, तो आप कंट्रोल की अपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखिए और यहाँ हार्ड डिस्क पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप हार्ड डिस्क पर क्लिक करेंगे ये दोनों डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दो के अलावा 3 डेटा को भी देख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया पेन ड्राइव को, तो पेन ड्राइव का भी डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया। तो अगर आप कैटेगरी के थ्रू इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे ही डेल के टिक मार्क को आप यहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे एसर का जो भी डेटा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इस शीट को किस तरीके से आप बना सकते हैं, मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा टाइमलाइन का। टाइमलाइन बेसिकली आपका डेट के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग आपका फिल्टर करता है किसी भी डेटा को। तो इसको करने के लिए हमें एक पाइवट टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने प्रैक्टिकली पहले ही यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने दो चीजों का डेटाबेस है, यानी दो चीजों का हमारे पास पाइवट टेबल है, जिसके अकॉर्डिंग हमने सेल्समैन लिया हुआ है और यहाँ पर हमने टोटल प्राइस लिया हुआ है। टोटल प्राइस के अंदर अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहूँ, तो आप यहाँ पर देखिए जैसे मैं जिस डेट पर क्लिक करूंगा उस डेट का यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा, चाहे सेल हमारी 2020 की हो या सेल 2021 की हो, हमारे पास वो डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होता
चला जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं। तो इन दोनों का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आज आपको वो पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने प्रैक्टिकल के लिए आपके पास पहले से एक ब्लैंक डेटा लिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल डेटा लिया हुआ है, वही डेटा हमने सिंपल यहाँ पर टाइप किया हुआ है। अब इस डेटा पर हम लोग क्या करेंगे, स्लाइसर का यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको स्लाइसर का यूज करने से पहले आपको इसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T। कंट्रोल टी जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है आपका माई टेबल हैज हेडर। तो इस वाले ऑप्शन पर आपका टिक मार्क होना चाहिए और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका जो डेटा था वो यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। और अब हमें यूज करना होगा स्लाइसर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे टूल्स मेन्यू के अंदर यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन आपके सामने शो अप हो गया। यही चीज अगर आप इंसर्ट टैब के अंदर जा करके यहाँ से स्लाइसर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। यही सेम चीज आपको वहां पर भी दिखाई देगी, तो जहां से आप लेना चाहें वहां से इसे ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्लाइसर को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आप किस किस कैटेगरी का, किस किस चीज का स्लाइसर लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने एक सेल्समैन का लिया है, यहाँ से हमने एक कंट्री का लिया है और एक हमने यहाँ पर कैटेगरी का लिया है। और सिंपल जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही तीनों ही स्लाइसर हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट, तीनों स्लाइसर को एक एक करके यहाँ पर रख लेते हैं। और उसके बाद मैं इसका आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास अमन है, अमन को जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो अमन का जो भी डेटा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्री के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर डेटा को फिल्टर कराना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपका यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। कंट्रोल की के साथ अगर आप किसी और कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो वो डेटा भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप फिल्टर करना चाहते हैं किसी कंपनी के अकॉर्डिंग, यानी डेल आइटम पर जैसे क्लिक करेंगे तो डेल के जितने भी आइटम्स हैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और एसर का आइटम अगर आप देखना चाहें तो एसर पे क्लिक करके आप एसर का आइटम देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस किस तरीके से देख सकते हैं, जिस भी आइटम का आप फिल्टर करेंगे उस आइटम का टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटीज किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सब टोटल का। तो सब टोटल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू का यूज करना है। मैं थोड़ा सा सेल्स को जूम कर देता हूँ। सब टोटल को लेकर के आप टैब दबा दीजिए अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप से आप इसे सब टोटल कर सकते हैं। तो हमें सम का यूज करना है तो या तो आप सम पर क्लिक करके टैब दबा दीजिए, आपका यहाँ पर 9 नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, या तो आप सिंपली यहाँ पर 9 यूज कर सकते हैं। 9 यूज करने के बाद आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद आपको रेंज लेनी है अपनी क्वांटिटीज की। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्वांटिटी की पूरी रेंज इस तरीके से और उसके बाद सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका टोटल क्वांटिटीज यहाँ पर शो हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टोटल प्राइस निकालना चाहें तो सेम वही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, इक्वल टू सब टोटल का। सब टोटल लेने के बाद यहाँ पर टैब यूज करेंगे। टैब यूज करने के बाद हमें भी यहाँ टोटल प्राइस का टोटल ही चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल के लिए 9 नंबर है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप टैब यूज कर सकते हैं। टैब यूज करते ही 9 नंबर अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे और उसके बाद इसके जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना होगा और सिंपली एंटर प्रेस करना। तो आप देखेंगे जिस भी हिसाब से यहाँ पर हम फिल्टर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इंडिया को सिलेक्ट किया तो इंडिया का जो टोटल क्वांटिटी बनती है वो क्वांटिटी 41 बनती है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 41 ही आएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो अमाउंट यही आएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसका सब टोटल और सब क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, बड़े से बड़े डेटा को आप इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो था स्लाइसर का यूज। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से टाइमलाइन का यूज, कि आप किसी डेटा के अंदर टाइमलाइन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सेम वही डेटा हमने यहाँ पर भी लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने डेट का एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो टाइमलाइन ऑप्शन होता है वो बेसिकली डेट पर काम करता है। तो हम यहाँ पर पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका एक पाइवोट टेबल क्रिएट करेंगे। बिना पाइवोट टेबल के आप डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, यानी टाइमलाइन का यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पूरी डेटा को एक बार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर जाते हुए हम यहाँ पर पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू वर्कशीट को लेते हुए हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही अब यहाँ पर आप अपने फिल्टर लगा सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली कंट्री पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम आइटम नेम पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं टोटल प्राइस। टोटल प्राइस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंडिया के अंदर लैपटॉप और मोबाइल है जिसका आइटम यहाँ पर आपके सामने टोटल प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है, यानी सम अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। उसी तरीके से जापान के अंदर हार्ड डिस्क और कीबोर्ड है जिसके अंदर
ये अमाउंट शो हो रहा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया। यदि आपको पाइवट टेबल बनाना नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने पाइवट टेबल को कई एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप पाइवट टेबल देख सकते हैं किस तरीके से पाइवट टेबल क्रिएट की जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे टाइमलाइन की। तो यहाँ पर हमने डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा लिया है। इसके बाद हम सिंपली इंसर्ट टैब में जाकर के यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा टाइमलाइन का। टाइमलाइन को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उसके सभी हेडर्स नहीं आए बल्कि सिर्फ डेट शो हो चुकी है। तो यहाँ पर डेट को लेते हुए हम सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। तो ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने उसकी टाइमलाइन शो हो चुकी है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसकी फिल्टरिंग करना चाहें तो जैसे ही आप जनवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जनवरी के अंदर जितनी भी सेल्स हुई है आपकी यहाँ पर देखेंगे रिप्रेजेंट हो चुका है, उसका सम अमाउंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप जुलाई की देखना चाहते हैं तो जुलाई का आपके सामने यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आगे का भी आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिसंबर नवंबर का। और ये तो था सिर्फ मंथ का, इसको आप फिल्टर कर सकते हैं। क्वार्टरली फिल्टर करना चाहें क्वार्टरली फिल्टर कर सकते हैं, मंथली फिल्टर करना चाहें मंथली फिल्टर कर सकते हैं, डेज वाइज फिल्टर करना चाहें डेज वाइज फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ईयर वाइज करना चाहें तो ईयर वाइज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे 2020 और 2021 का डेटा हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं तो 2020 का आप डेटा देखेंगे यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। और 2021 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 2021 का आपका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है ईयर वाइज। अगर आप यहाँ पर मंथ वाइज लेंगे तो मंथ वाइज आपका 2020 का और 2021 का यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट हो चुका है, जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक। उसी तरीके से यहाँ पर फरवरी अप्रैल मई, जिस तरीके से आप डेटा को फिल्टर करना चाहें उस तरीके से आप टाइमलाइन के थ्रू डेटा को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। तो ये भी एम एस एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसके सामने बहुत सारे टाइमलाइन के स्टाइल दिए गए हैं। इसमें से अगर आपको स्टाइल चूज करना चाहें तो यहाँ से आप स्टाइल को चूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने स्टाइल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद अगर आप इसकी हाइट या विड्थ को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, या इसको ड्रैग करके भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके हेडर फुटर को अगर आप हटाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को, टाइमलाइन लेवल को अपने हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। प्रिंट टू फ्रंट, सेंड टू बैक के ऑप्शन डेटा को आगे या पीछे देने के लिए यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं स्लाइजर और टाइमलाइन की मदद से। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर स्लाइजर और टाइमलाइन का। इंसर्ट टैब के अंदर आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन है लिंक का, जिसका यूज किया जाता है किसी शीट को किसी शीट से लिंक करने के लिए, या किसी फाइल को किसी फाइल के साथ लिंक करने के लिए, या किसी एक्सेल के फाइल को वेब पेज के साथ लिंक करने के लिए, या फिर किसी स्मार्ट आर्ट या शेप्स को एक हाइपरलिंक के साथ जोड़ने के लिए, और या फिर किसी टेक्स्ट को किसी ईमेल से ऐड करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप से आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं। मैं आपको 5 तरीके से बताऊंगा कि आप हाइपरलिंक का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आप किसी शीट को दूसरी शीट से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और अलग अलग शीट पर उनका डेटा होता है। अगर वो उन शीट्स का एक इंडेक्स बना लें और इंडेक्स बनाने के बाद वो वन बाय वन उस शीट तक पहुंच सकते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं पहले वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि आप किसी शीट को किसी शीट के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमने शीट्स के नाम दिए हुए हैं और वही शीट्स हमारे अलग अलग डेटाबेस में प्रेजेंट है। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम स्लाइसर पर क्लिक करें तो स्लाइसर का जो डेटा है वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाना चाहिए, और जब भी हम यहाँ पर प्राइवेट टेबल पर क्लिक करें तो हमारी प्राइवेट टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाना चाहिए। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा वो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगाना चाहते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर लिंक का। इस लिंक वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी हम जो हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं वो सेम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्लाइसर को आप स्लाइसर के साथ जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए स्लाइसर को। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने सेल का रेफरेंस है, यानी किस सेल पर आप जंप करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट का डिस्प्ले है, यानी कि क्या नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर स्लाइसर को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर लिंक लग चुका है। जैसे आप स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्लाइसर का जो पेज था आपके सामने ओपन हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो सेल एड्रेस दिया था हमने A1, तो A1 पर हमारा कर्सर यहाँ पर शो हो चुका है। इसी तरीके से और भी लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पाइवट टेबल पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं सीधे लिंक वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से भी आप लिंक लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पाइवट टेबल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर हम सेल एड्रेस चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम सेल एड्रेस दे देते हैं A10,
तो A10 देने के बाद होगा क्या, हमारा जो कर्जर होगा वो डायरेक्टली A10 पर जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके जैसे हम इसे ओके प्रेस करेंगे और पिवट टेबल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा A10 के ऊपर यहाँ पर कर्जर जंप कर चुका है, यानी जिस भी सेल का एड्रेस हम इस हाइपरलिंक के अंदर प्रोवाइड करेंगे ये डायरेक्टली हमें उसी सेल एड्रेस पर ले जाकर के जंप करा देगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल शीट का लिंक कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए या लिंक पर जाइए, यहाँ से आप चले जाइए प्रैक्टिकल शीट पर और यहाँ पर ओके प्रेस करिए। जैसे आप प्रैक्टिकल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिकल शीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है और इसी तरीके से आप टाइमलाइन को भी लिंक कर सकते हैं। तो टाइमलाइन को सिलेक्ट करके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट टाइमलाइन, यहाँ पर सेल एड्रेस देना है तो सेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट का नाम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली टाइमलाइन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करिए। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस वाली शीट पर आप जंप कर जाएंगे। तो ये तो था हमारा कि आप किसी हाइपरलिंक को एक शीट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे वो यूज करेंगे किसी हाइपरलिंक को किसी टेक्स्ट फाइल के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है YouTube के नाम से, इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है लिंक वाले ऑप्शन पर। लिंक ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन होगा, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर फाइल शो हो गई। आप किसी फाइल को फोल्डर को भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेल की दूसरी फाइल है और उस फाइल को आप इस वर्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यानी एक जेपीजी फाइल है, हमारी यूट्यूब का बैनर है, हम उस बैनर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बैनर का जो नाम है वो 555 के नाम से यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। तो इस वाली फाइल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने यूट्यूब पर लिंक लग चुका है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप देखेंगे हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यानी हमने जो लिंक लगाया था इमेज के ऊपर हमारे बैनर के ऊपर वो बैनर हमारा ओपन हो चुका। तो इस तरीके से आप कोई फाइल फोल्डर आप लिंक कर सकते हैं किसी भी एक फाइल के साथ दूसरी फाइल को। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक टू वेब पेज, यानी हम किसी वेब पेज को किसी हाइपरलिंक के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर हमने google.com एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस वाले टेक्स्ट के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ से चले जाना है लिंक वाले ऑप्शन पर। लिंक ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हमें सिलेक्ट करना होगा सबसे पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा जिस URL के साथ आप इसको ऐड करना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं http.google.co.in। तो .co.in बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डोमेन है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारा google.com यहाँ पर शो हो चुका है, यानी इसके ऊपर लिंक क्रिएट हो चुका है। google.com के ऊपर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखेंगे हमारा जो वेब ब्राउजर था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इंटरनेट अगर हमारा कनेक्ट होगा तो ये डायरेक्टली गूगल का वेब पेज आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेब पेज हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है, इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है हम हाइपरलिंक यूज करेंगे किसी शेप या किसी स्मार्ट आर्ट को, यानी आप यहाँ पर ले सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर से इलस्ट्रेशंस के अंदर जाकर के किसी शेप को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने रेक्टेंगल राउंडेड शेप सिलेक्ट किया है और इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद अगर आप इसके ऊपर लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आप ये चाहते हैं कि जब भी आप इस वाली शेप पर क्लिक करें तो क्लिक करते ही आप जिस भी फाइल को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं वो ओपन हो जाए। तो इसके लिए इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने लिंक का एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लिंक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा और इसको आप किस फाइल के साथ ऐड करना चाहते हैं, किस फाइल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं। अब आप देखेंगे इस शेप के ऊपर लिंक लग चुका है, एक बार आपको बाहर क्लिक करना होगा और अब आप देखेंगे यहाँ पर लिंक क्रिएट हो चुका है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी जो फाइल थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। आप देखें हमने जो फाइल अटैच की थी 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी स्मार्ट आर्ट को या किसी शेप को हाइपरलिंक के साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक टू टेक्स्ट टू ईमेल, यानी आप किसी टेक्स्ट को ईमेल के साथ किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पर ले लिया हमने लिंक का ऑप्शन। और सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे
ईमेल एड्रेस पर, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी रेंडमली ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि ईमेल आईडी का क्या सब्जेक्ट देना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने दे दिया हाइपरलिंक, और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे ये भी लिंक में जनरेट हो चुका है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यानी एक्सेल इन्फोटेक पर जब भी क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ईमेल आईडी थी वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसको एक बार आपको साइन अप करना होगा, यानी लॉग इन करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने जीमेल, आउटलुक, याहू, ये सारे के सारे ईमेल आईडीज यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये सारे के सारे सर्वर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस भी ईमेल आईडी को आप यहाँ पे लॉग इन करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी आईडी को यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उस वर्ड पर क्लिक करते ही आप अपनी ईमेल आईडी पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका लिंक का यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और हाइपरलिंक के बारे में बता देता हूं। और यहां पर जैसे हम टाइप कर लेते हैं विनोद, और विनोद नाम से मैं किसी फाइल को क्रिएट करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहां से चले जाएंगे लिंक वाले ऑप्शन पर। लिंक ऑप्शन पर जाने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स का। तो यहां पर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आपको अपनी फाइल का नाम देना होगा, जैसे यहां पर हमने दिया हुआ है डी ड्राइव। डी ड्राइव की हमने लोकेशन यहां पर सेव की हुई है। यहां पर जैसे हम किसी फाइल का नाम देंगे, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया एक्सेल इन्फोटेक 2021, और इसके बाद यहां से अगर आप अपनी फाइल के पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो यहां से क्लिक करके आप अपनी फाइल के पाथ को यहां से चेंज कर सकते हैं। डी ड्राइव या ई ड्राइव जो भी देना चाहे वो यहां से दे सकते हैं। हम फिलहाल इसको यही रहने देते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे यहां पर आपके सामने एक और ऑप्शन है व्हेन टू एडिट, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को बाद में एडिट करना चाहते हैं जो भी आप यहां पर फाइल क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपका एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी जैसे ही आप इसको नाउ पर क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो आपकी वो फाइल यहां पर डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। और अगर आप इसे लेटर को सिलेक्ट करके यहां पर ओके प्रेस करते हैं तो आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो आप देखेंगे एक्सेल इन्फोटेक के नाम से यहां पर फाइल रिप्रेजेंट हो चुकी है। एक्सेल इन्फोटेक 2021 के नाम से फाइल यहां पर बन चुकी है। अब ये फाइल हमारी सेव कहां थी? ये फाइल हमारी डी ड्राइव के अंदर सेव थी। तो चलिए हम डी ड्राइव को चेक कर लेते हैं। यहां से चले गए हम लोग माई कंप्यूटर के अंदर। माई कंप्यूटर में जाने के बाद यहां से हम लोग ओपन करते हैं डी ड्राइव को। डी ड्राइव को जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल इन्फोटेक के नाम से फाइल हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। ये देखिए एक्सेल इन्फोटेक 2021 के नाम से हमारी फाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है, यानी यहाँ पर बन चुकी है। आप इसको जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ से आपकी वो फाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप से हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शन है हम एक एक करके सभी का यूज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक एरो बन के आ जाएगा। इस एरो से हम बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के बाद इस बॉक्स में जो भी लिखना चाहें वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आकर के डबल क्लिक करेंगे जब आप इस कॉर्नर पर आएंगे। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ड्राइंग टूल का एक ऑप्शन शो होगा। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपके सामने फॉर्मेट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें आप किसी भी फॉर्मेट का यूज करके इसको किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर वर्ड का स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने स्टाइल्स हैं, किसी भी स्टाइल को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर पर हम क्लिक करने से पहले एक डेटा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शीट 1 पर कुछ डेटा लिया हुआ है। इस डेटा को लेने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में चले जाते हैं, यहाँ से हेडर एंड फुटर को सिलेक्ट करते हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने हेडर और फुटर यहाँ पर शो अप हो गया, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे पेज नंबर का है। अगर आप अपने हेडर पर पेज नंबर शो करना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेज नंबर शो हो गया। इसी तरीके से अगर आप फुटर पे यानी पेज के बिल्कुल लास्ट में आप फुटर शो कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर हमने फुटर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हेडर एंड फुटर पर क्लिक किया, फुटर पर चले गए और यहाँ पर हमने लोकेशन शो करा दी इस फाइल की, कि हमारी जो लोकेशन है यानी कि जो हमारी फाइल है वो किस जगह पर सेव हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उसकी लोकेशन हमारे सामने शो अप हो चुकी है। इसी तरीके से आप पेज नंबर को शो करा सकते हैं, लोकेशंस को शो करा सकते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे पेज नंबर्स। यहाँ पर आप चाहें तो पेज नंबर को शो करा सकते हैं। जैसे हमने पेज नंबर पर क्लिक किया तो आप देखिए पेज नंबर आ गया कॉर्नर में। इसी तरीके से अगर आप करंट डेट शो कराना चाहते हैं इसको हटा करके, तो यहाँ से हटा करके इसको करंट डेट ले लीजिए। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो करंट डेट आपके सामने शो अप हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप करंट टाइम शो कराना चाहते हैं तो देखेंगे आप करंट टाइम आपके सामने शो अप हो गया। इसके अलावा आप फाइल का पाथ शो कराना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपके फाइल की लोकेशन यहाँ पर शो हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अब यहाँ पर ऑप्शन है आपका
फाइल नेम, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फाइल नेम आपका शो हो गया एग्जाम्पल वन। और इसी तरीके से अगर हम बात करें शीट्स नेम की तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट नेम शो हो गया, यानी शीट हमारे पास शीट वन है वो यहाँ पर शो अप हो गई। इसके बाद अगर आप यहाँ पर पिक्चर को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पिक्चर्स पर क्लिक करके यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी पिक्चर को पिक कर सकते हैं, बिंग ड्राइव से पिक कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर से पिक कर सकते हैं, पर्सनल ड्राइव से आप यहाँ पे इसे ब्राउज कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आप पिक्चर को शो कराना चाहें यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पिक्चर भी शो हो जाएगी। और इसी तरीके से आप गो टू फुटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप सीधे फुटर पर चले जाएंगे। गो टू हेडर पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हेडर पर आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप से आप हेडर और फुटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप स्केलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस को स्केलिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो हेडर और फुटर है वो स्केल के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, डिफरेंस हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, डिफरेंस ओल्ड इवेंट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप से इस ऑप्शन को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप से आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना जो भी लिखना चाहें, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक, और इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके स्टाइल को फिर से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से आप चाहें तो इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं, पिक्चर्स फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स फिल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल टेक्स्ट की तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहें इसके बारे में वो लिखकर एक रिमाइंडर के तौर पर इसे सेव करके रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने इस टेक्स्ट को स्टाइल में कन्वर्ट करके कहीं पर हेडर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप रख सकते हैं या यहाँ पर रख सकते हैं, कहीं पर आप इसको एक हेडिंग के तौर पर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिग्नेचर लाइन का। आप यहां पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने तीन ऑप्शन शो होंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका सजेशन सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल जॉन, यानी कि यहां पर आप अपने पर्सन का नाम देंगे जिसके नाम का आप सिग्नेचर तैयार करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हम दे देते हैं जैसे विनोद कुमार के नाम से हम लोग सिग्नेचर तैयार करना चाह रहे हैं, और यहां पर हम सजेशन दे देते हैं जैसे हमने दे दिया मैनेजर। और यहां पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे हम यहां पर रैंडमली कोई भी ईमेल आईडी ले लेते हैं और उसके बाद जैसे हम यहां पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक्स नाम का सिंबल यहां पर तैयार हो चुका है। इसका यूज मोस्टली आप लेटर हेड पर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सिग्नेचर लाइन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन के अंदर आप दूसरी एप्लीकेशन किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ चले जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा बिटमैप इमेज का। बिटमैप इमेज को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने पेंट ओपन हो गया। पेंट के अंदर हम जो भी ड्रॉ करेंगे जिस भी हिसाब से और जो भी कलर फिल करेंगे, और जैसे हम पेंट को कट करते हैं आप देखेंगे हमारा वो वर्क जो था वो एक्सेल के अंदर यहाँ पर शो अप हो जाएगा। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा आपको। डबल क्लिक करते ही आप इसके अंदर फिर से एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आप इसे कट करेंगे तो आपका जो डेटा था वो आपका एक्सेल में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सिंबल्स का यूज किस तरीके से किया जाता है मैं आज आपको वो क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे हमारे सामने इक्वेशंस का है। इक्वेशंस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसमें से हम कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करते हैं। होम टैब के अंदर जाकर के आप यहाँ से अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस फॉर्मेट को यहाँ पर इंक्रीज कर लिया है और उसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने ड्राइंग टूल का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ से आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इक्वेशंस को हाईलाइट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इसमें से कोई भी इक्वेशन का आप कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब इसके बाद आप देखेंगे जैसे हम इक्वेशंस पर क्लिक करेंगे तो एक और टूल बार हमारे सामने ओपन हो जाएगा इक्वेशंस टूल्स का। हम जैसे इक्वेशन टूल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस हैं। यहाँ से भी आप अपने इक्वेशंस को चेंज कर सकते हैं या फिर इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक और ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है जिसका नाम है इंक इक्वेशन। इंक इक्वेशंस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने राइटिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस राइटिंग बॉक्स के अंदर हम जो भी चीज राइट करेंगे वो सिंबल हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर सिंबल क्रिएट किया ये इस तरीके से, और जैसे हमने इस सिंबल को क्रिएट किया आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसको सिंपली क्लिक करके जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर सिंबल इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद आप चेकबॉक्स पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो अपने हिसाब से आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर इक्वेशंस के अंदर से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोफेशनल।
प्रोफेशनल अभी आपके सामने जो फॉर्मेट नजर आ रहा है ये प्रोफेशनल फॉर्मेट है। जैसे आप लाइनर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका लेनर में आपका फॉर्मेट यहाँ पर शो अप हो चुका है। अगर आप इस लेनर फॉर्मेट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्टली हम लोग इसे प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर ही रखते हैं और उसके बाद इसका हम यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इक्वेशंस एंड सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ और इंसर्ट करना चाहें या किसी और टेक्स्ट या सिंबल को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं। इसमें से कोई भी सिंबल आप इजीली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज कर लेते हैं, जैसे हमने उस सिंबल पर क्लिक किया आप देखेंगे वो सिंबल हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के आपके सामने फंक्शंस हैं, आप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कॉमन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे हमने कॉमन फंक्शन लिया यहाँ पर आप देखेंगे आपका कॉमन फंक्शन शो हो गया। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू देना चाहें तो आप इजीली यहाँ पर वैल्यू एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रेडिकल का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेशंस दिए गए हैं, ब्रैकेट्स दिए गए हैं, फंक्शंस दिए गए हैं, एसेट्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप के आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करके इक्वेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इक्वेशन का पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सिंबल पार्ट की। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिंबल है। जैसे हम सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स के सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसमें से कोई भी सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसे इंसर्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल हमारे सामने इंसर्ट हो चुका है। अब इसके बाद अगर कोई और सिंबल इंसर्ट करना चाहे तो यहाँ पर जैसे आप पाउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाउंड को इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपके सामने पाउंड का सिंबल भी इंसर्ट हो चुका है। तो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आप यहाँ पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्पेशल कैरेक्टर का। इस पर जैसे हम सिंबल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर का हमारे सामने ऑप्शन आ गया। इसमें आप देखेंगे जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के नाम दिए हुए हैं, उनके सिंबल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ से आप देख करके अगर आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं और उसे इजिली यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप सिंबल और इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इक्वेशन एंड सिंबल का चैप्टर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।